कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटे हम लोग मूव करने वाले नोन एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हमारे कौन सा रूल आ रहा है हमारा भाई छठा रूल आ रहा है हमारा ये कौन सा मेथड है हमारे सिक्स हथियार आ रहा है अगर पहला हथियार भी फेल हो जाए दूसरा भी मात दे दे तीसरा भी मात दे दे चौथा भी जंग में हार जाए पांचवे को भी शिकस्त हो जाए तो फिर हम जाएंगे छठे हथियार के पास इस हथियार का नाम क्या होता है एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है देखो दुनिया के अंदर कभी भी पावर के अंदर आपके पास कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ दो बड़े बेसिक तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं मेरे पास एक होता है कि यार ई की पावर में फंक्शन का आना

करता हूं जिसकी पावर के अंदर फंक्शन आ रहा है तो कॉमन एक्सपोनेंट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मल्टीपल एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ ई e की पावर के अंदर साइन एक्स का होना For example, कहीं पे लिखा हुआ ई e की पावर में फोर एक्स का होना फॉर एग्जाम्पल ई की पावर में लिखा हुआ नेगेटिव का एलन एक्स फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ ई e की पावर में साइन इनवर्स एक्स तो मेरे प्यारे शागिर्द हो रिमेंबर दिस थिंग नेचुरल एक्सपोरेंट का मतलब ही क्या होता है नेचुरल नंबर की पावर में फंक्शन का होना वाइल कॉमन एक्सपोरेंट का मतलब क्या होता है कॉमन एक्सपोरेंट हम डिनोट करते हैं दुनिया में कोई भी कॉमन नंबर हो कोई भी गिरा पड़ा नंबर हो तो भाई उसकी पावर में फंक्शन आ जाए फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ थ्री की पावर में साइन एक्स का होना मैं कहता हूँ नेगेटिव के सेवन की पावर के अंदर एल एन एक्स का होना मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल फाइव

कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं हो रहा आपको नेचुरल एक्सपोनेंट दिख गया तो इसका मतलब क्या है कांसेप्ट नंबर 6 नेचुरल एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर तो यहाँ पे नेचुरल एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है ना तो भाई पावर में जो भी फंक्शन आ रहा है इसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है देखो पावर में क्या आ रहा है a का b cos 3x तो मेरे प्यारे शागिर तो पावर में फंक्शन क्या है पावर में है a का b cos 3x इसका बाहर डेरिवेटिव होना जरूरी है तो a का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा b cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा देखो b इज अ कांस्टेंट टर्म पहले आएगा और cos

बचेगा साइन थ्री एक्स इंटू तो अगर आप गौर से देखो तो मेरे प्यारे बच्चे देखो यहाँ पे पावर में जो फंक्शन आ रहा था हमने उसका भाई डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया जब ये काम करवा दिया तो बस आप सिंपल आप फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हो फॉर्मुला क्या कहता है कि देखो बाहर वाली टर्म तो रिडिज रहेगी अब इंटीग्रेशन इस पर कैसे अप्लाई करवाते हैं क्या फॉर्मुला मैंने आपको पढ़ाया कि कभी भी आप नेचुरल एक्सपोनेंट के फॉर्मुले के अंदर पावर में आने वाले फंक्शन का अगर बाहर डेरीवेटिव कंप्लीट करवा चुके हो तो आपने सिंपल तरीके से आंखें बंद करके आप अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिटिज

एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय एक्स तो अगर आप और से देखो तो आपके पास ऊपर क्या कॉस एल एन मौजूद है बिल्कुल मौजूद है क्या डिवीजन के अंदर एक्स मौजूद है बिल्कुल मौजूद है इसका मतलब आपको डायरेक्टली फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव गिवन है इसका मतलब क्या है कि भाई इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा e की पावर के अंदर साइन एल एन एक्स प्लस यानी कि इसका आंसर क्या होगा आपके पास e की पावर के अंदर साइन इंटू एल क्या होगा साइन इंटू एल अच्छा बाय द वे साइन इंटू एल है नॉट साइन एक्स एल एन है ये साइन इंटू एल लिखा है ना तो उसका आपको डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा e की पावर साइन इंटू एल और क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया सर ये कैसे सॉल्व किया कि देखो पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एक्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास सिंपल तरीके से नेचुरल एक्सपेरेंट को आपने ए की दफा एज इट इज उतारना है और ये आपका फाइनल आंसर आ गया e की पावर के अंदर e की पावर के अंदर टेंजन वाई आगे एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन है सेक्स स्क्वायर वाई कहते हैं सोल्व करके बताओ अगेन देखो बेसिक चीज है कभी भी नेचुरल एक्सपोरेंट का क्वेश्चन आए ना हमेशा देखो पावर में जो फंक्शन मौजूद है क्या क्या उसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव गिवन है है तो बेटा का भाई क्या होगा sec square के बराबर इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, जब एग्जिस्ट कर रहा है तो आंसर क्या होगा देखो नेचुरल एक्सपोरेंट ऑफ इंटीग्रेशन का आंसर बहुत सिंपल है आप करते है क्या हो आप पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव देखते हो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो आप सिंपल आंखें बंद करके अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन करते हो प्लस के सी के साथ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया अब देखो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो बेटा कैसे सॉल्व करोगे देखो ई e की पावर वन बाय एक्स और होल डिवीजन में नीचे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो मैंने बड़ी सिंपल सी बात करी मैंने कहा यार कभी भी आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आए ना तो पावर में जो फंक्शन आ रहा है आपने हमेशा उसका डेरीवेटिव देखना है।, तो है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा ये बन जाएगा एक्स की पावर में वन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा पावर पहले लिखी जाएगी पावर में से एक माइनस करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर टू यानी कि आसान भाषा में क्या बन जाएगा नेगेटिव का वन बाय बाई स्क्वायर यानी कि देखो बाहर मेरे पास क्या मौजूद होना चाहिए था नेगेटिव का वन स्क्वायर तो बाहर तो नेगेटिव का वन मौजूद ही नहीं है इसका मतलब पहले लेकर आओगे जब लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा जाएगा नेगेटिव का वन इंटीग्रेशन के अंदर ई e की पावर वन डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर में इनटू नेगेटिव का वन इट इज और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स तो अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया अब जब कंप्लीट करवा दिया तो अब सिंपल तरीके से आंखें बंद करके नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बेटा नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला किसके बराबर होता है ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से आपने एक दफा अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज उतार देना होता है ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया वेरी बेसिक

जो आपके पास नष्ट की या फास्ट की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अभी जब टिकोम को करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ऑल दो तो बच्चे पुराने बैठे हुए इस बारे में आइडिया होगा कर याद करवाया था तो एकस यानी कि जीरो डिग्री हो या वन डिग्री हो साइन हमेशा आपको आंसर देगा जीरो का वाइल कॉस जीरो क्या होता है वन के बराबर होता है कॉस वन क्या होता है कुछ बेसिक बातें होती है खैर हम साथ साथ चीजों को समझ रहे होंगे देखो यहाँ पे क्या है साइन

लेट सपोज मेरे पास इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आ रहा है अच्छा बेटा मैंने आप लोगों को देखो दो तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दिया दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि भाई इसको तो रट के घोल की जाइएगा बहुत क्वेश्चन आता है ये फास्ट में बेतहाशा आया हुआ है अब तक तकबाद दूसरे साल ये पूछा गया था फास्ट के अंदर ये और ए के अंदर भी बहुत आया बाय द वे इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है एग्जामिनर कहते हैं आपसे एक्सक्र इंटू ई की पावर के अंदर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स तो भाई कैसे सॉल्व करोगे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो कि भाई पावर में क्या आ रहा है एक्स क्यूब आ रहा है तो भाई नॉर्मल सी बात है यार अब आप लोगों के लिए आसान बन जाएंगे अब आप लोगों को बहुत ही बच्चों वाले लग रहे हो क्योंकि भाई हमने इसका कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया ना तो भाई एक्स क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब पर डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए बाई थ्री एक्स स्क्वायर के बराबर अभी देखो मौजूद नहीं है तो पहले आप क्या करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओगे तो मेरे प्यारे शागर आपके लिए बड़ा आसान चीज बन चुकी है वो क्योंकि देखो भाई हमने इसका डिफिकल्ट डिफिक्टरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया

इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है इंटीग्रेशन e की पावर e भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे देखो मेरे प्यारे शागिर्द इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज आपको जहन में रखनी है कि देखो e होता क्या है मैंने जानबूझ के क्लास के भी मिड में बताया भी था e को कहा जाता है नेचुरल नंबर e का मतलब क्या होता है सिंपल नेचुरल नंबर है अगर e की पावर में कोई फंक्शन नहीं आ रहा ना देन इट इज नॉट अ नेचुरल अचुर एक्सपोन इट विल बी ट्रीटेड एज अ नेचुरल नंबर अगर e की पावर में कोई फंक्शन नहीं है तो वो एक नंबर ट्रीट होगा जैसा नॉर्मल 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है

क्वेश्चन है ये अगेन बहुत पेपर्स के अंदर आया है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है ई e की पावर ई e की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी तो भाई कैसे सॉल्व करोगे देखो सबसे पहले एग्जामिनर की चलाकी को समझा करो तुम्हें सबसे पहले दिख रहा है नेचुरल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है सर तो भाई नेचुरल एक्सपोरेंट के अंदर सर हाशम ने अपना गला किस बात पर सुखाया इसी बात पर सुखाया ना कि भाई जो भी पावर में फंक्शन आ रहा है उसका बाय डेरिवेटिव देखो यानी कि अगर आप और से देखो अगर आप गौर से देखो नेचुरल एक्सपोनेंट आपका क्या आ रहा है e ई की पावर एक्स आ रहा है तो ई e की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है ई e की पावर एक्स ही होता है यानी कि सिंपल तरीके से आप यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ई इंटू ई की पावर एक्स प्लस का सी क्वेश्चन सोल्व हो गया सर कैसे सॉल्व किया कि देखो बेटा आपने साफ तौर पर देख रहा है कि भाई इस आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंट की पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसको आपको डायरेक्टली उसका बाहर डेरिवेटिव गिवन है तो आपने सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मला अप्लाई कर दिया नेचुरल एक्सपोनेंट का जो भी आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंट है उसको हिरेट एक बार लिखोगे क्वेश्चन विद इन सेकंड्स के अंदर सोल्व गया

आंखें बंद करके एज इट इज कॉमन एक्सपोनेंट को लिखना है और डिवीजन के अंदर डिवीजन के अंदर एलन का डालना है और जो भी आपके पास बेस का नंबर था, जो भी भी आपके आपके पास पास का का नंबर नंबर था के function आ रहा था कि के सी के कितनी for मुश्किल बात कर दी आपने अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल टू की इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है तो भाई टू की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी एक दफा हम टू की पावर एक्स को एज लिखेंगे और नीचे डिवीजन के अंदर क्या होगा एलन का एल एन और जो भी मेरे पास ये बेस वाला के साथ क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन फोर की पावर के अंदर साइन एग्जामिनर कहता है सोल्व करके बताओ भाई कैसे सोल्व करेंगे देखो दुनिया के अंदर किसी भी नंबर की पावर में अलावा किसी भी नंबर

आ जाते हैं तो भाई क्या बन जाएगा 2 की पावर नेगेटिव एक्स इनटू नेगेटिव वन इनटू डी एक्स तो भाई जाहिर सी बात है पावर में आने वाले फंक्शन का भाई डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया अब क्या करोगे अब सिंपल तरीके से यहाँ पे कॉमन एक्सपोनेंट का फार्मूला अप्लाई करोगे कॉमन एक्सपोनेंट का फार्मूला क्या होता है कि एक दफा कॉमन एक्सपोनेंट को एडिट्स लिखोगे और नीचे डिवीजन के अंदर एलन डालोगे जो भी आपके पास एक कॉमन नंबर था ना उसको आपने एलन के फंक्शन के तौर पे लिख देना है प्लस के सी के साथ आंसर आ गया तो कॉमन एक्सपोनेंट इज अ वेरी सिंपल कांसेप्ट इट इज नॉट अ डिफिकल्ट कांसेप्ट जस्ट लाइक इन नेचुरल एक्सपोनेंट

तरह का एक क्वेश्चन होगा कि भाई नेचुरल एक्सपोनेंट गिवन होगा और ये नेचुरल एक्सपोनेंट एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा उस ब्रैकेट के अंदर एक आपके पास होगा फंक्शन और फिर प्लस के साइन के बाद प्लस के साइन के बाद उसी फंक्शन का आपके पास गिवन होगा

एक ही बात है यानी कि लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये आ रहा है अल्लाह भला करे e की पावर x इंटीग्रेशन और ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x तो यहां पे प्लस लिख देता हूं और नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर तो भाई देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है तो इस फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से क्या आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा e की पावर x आगे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल 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 आंसर होगा This thing, एक दफा ये क्वेश्चन में का X, का जाए रिमेंबर दिस थिंग अगर तो एप्टीट्यूड में गलत क्वेश्चन आ रहा है तब तो भाई कैंसिल आउट ही हो रहा होगा अल्लाह सही आंसर ना मालूम हो, है ना? तो फिर आप देखते हो आपके ऑप्शन

के अंदर कि भाई किसी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर नहीं करना होता तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे है ना इट इज वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए भाई अभी नस्ट के रिशेंट राउंड के अंदर पूछा गया था एंड बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए मैथ्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अपने ऑप्शन को लाजमी देखा करो अगर आप कभी भी मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो ना आप देखो कि मैं आपको डायरेक्टली यूजअली क्वेश्चन ऑप्शन के बगैर करवाता हूं ताकि आप लोगों की तैयारी हमेशा डिफिकल्ट तरीन लेवल के ऊपर हो ताकि आपके लिए छोटे मोटे क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व हो रहे हो अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है एग्जामिनर कह रहे हैं इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आगे क्वेश्चन आ रहा है वन प्लस साइन एक्स

फंक्शन e की पावर x ऊपर आ रहा है वन प्लस साइन एक्स तो यार मुझे मालूम है कि हाफ एंगल जो फॉर्मुलाज होते हैं बेसिकली डबल एंगल फॉर्मुलाज के छोटे भाई होते हैं ना उसके मिलते जुलते फॉर्मुलाज ही होते हैं तो अगर मैं साइन x का डबल एंगल फॉर्मुला लूं तो मुझे पता है यार साइन टू थीटा का दुनिया में फॉर्मुला क्या होता है साइन टू थीटा का फॉर्मुला होता है हमारे पास टू साइन थीटा कॉस थीटा के तो यानी कि हाफ एंगल पे क्या होगा हाफ एंगल के ऊपर ये फॉर्मुला होगा साइन थीटा किसके बराबर होगा साइन थीटा बराबर होगा हमारे पास टू साइन थीटा बाई टू थीटा बाई के नॉर्मल सी बात है तो अगर यहाँ पे साइन एक्स आ रहा है तो यहां पे अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूले को ओपन करूं तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से टू साइन टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू इन टू cos x divided by 2 yani ki simple tarike se hum logo ne kya kara apne particularly formula ko expand karwa diya normal di cheez hai similarity dekho niche kya hai niche mere paas aa raha hai 1 plus ka cos x ab main yahan pe kya formula apply karu yaar cos ka ek double angle formula hota hai agar aap yaad karo to cos 2 theta kiske barabar hota hai ye barabar hota hai hamare paas 2 cos square theta minus ke 1 ke yaad aa raha hai to agar main isko is formula ke upar open karwaun to yani ki mere paas cos ke andar half angle formula kya banega cos half angle is equal to 2 cos square 2 cos square स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू माइनस का वन तो यहाँ पे अगर मैं माइनस के वन को दूसरी तरफ भेज दूं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई कॉस थीटा किसके बराबर होगा सॉरी कॉस थीटा प्लस का वन इधर आ जाएगा और इक्वल टू के इस तरफ क्या बन जाएगा इक्वल टू के इस तरफ हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू भाई टिकोनोमेट्री के बेसिक फॉर्मुला से आपको अजबर याद होने चाहिए यानी कि बेटा देखो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आ रहा है वन प्लस का कॉस एक्स तो मैं सिंपल तरीके से कॉस थीटा प्लस वन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू को यानी कि मैं वन प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं सिंपल तरीके से वन प्लस कॉस एक्स की जगह पे

मार है तो मैं यहां पे एल्सियम को ब्रेक करूंगा तो नीचे वाली टर्म दोनों के साथ लिखी जाएगी तो ये बन जाएगा वन डिवाइडेड बाय टू एक्स डिवाइडेड बाय टू आगे क्या आ रहा है मेरे पास प्लस का टू साइन एक्स डिड बाई ट एक्स डिड बाई टू अब आप बैठ के तो बेटा इस स्क्वायर से एक कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा इस टू से ये वाला टू भी कैंसल आउट हो जाएगा तो आपके पास ये क्या बन गया ये बन गया ई e की पावर एक्स एजेटिस वन बाय टू का वन बाय टू एजिस का एजेटिज

से कि देखो sec x by 2 किसका डेरिवेटिव होता है ये होता है tangent x by 2 का यानी कि आपका आंसर क्या होगा e की पावर x into tangent x by 2 सर कैसे सर क्या मतलब भाई इसको अगर आप तरीके से लिखो तो क्या बन गया e की पावर x as it is अगर मैं tangent x divided by 2 को पहले लिख दूं और फिर बाद में क्या लिख दूं बाद में मैं लिख दूं sec square x divided by 2 into 1 by 2 का 1 by 2 तो गौर से देखो tangent का डेरिवेटिव क्या होता है sec एंगल होता है और फिर एंगल का डेरिवेटिव 1 2 होगा तो फाइनली ऊपर जो मैंने आपको कंडीशन

हो सकती है डजन इवन मैटर मैंने फोर और थ्री को लिया हुआ है आपको समझाने के लिए बट कुछ भी हो सकता है तो कैसे सॉल्व करोगे देखो बेटा एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एडेड लिख देना है और डिवीजन में क्या होगा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और नीचे थ्री का स्क्वायर क्या हो गया नाइन के बराबर आगे जाओगे सिंपल तरीके से ए को लिखोगे ए क्या है फोर के बराबर इन आपके पास जो भी आपको टिकोनोमेट्रिक फंक्शन गेविन था उसको एडेड एक बार लिख दोगे साइन थ्री एक्स था साइन थ्री लिख दिया फिर देखो साइन के साथ अगर फंक्शन आ रहा है तो साइन का फॉर्मूला क्या है साइन की शॉर्टकट क्या है नेगेटिव का साइन आएगा फिर नेगेटिव के साइन के बाद क्या लिखोगे b

देखो फॉर्मलाज कभी भी रट्टे मार के याद नहीं होते फॉर्मलाज याद होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो फॉर्मलाज याद होते हैं जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो तो भाई ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन मेरी तरफ से एक गिफ्ट होता है हर बच्चे के लिए भाई देखो मैं गिफ्ट बहुत देता हूँ अपने शागि को तो एक गिफ्ट है एक गिफ्ट है तमाम बच्चों के लिए भाई इसको खुद से सॉल्व करना है अगेन इसको कोई किसी को नहीं बताएगा Uh, सही है ना भाई इस गिफ्ट को आपने खुद से सॉल्व करने तमाम बच्चों के लिए छोटा सा तोहफा है छोटा सा गिफ्ट है इसकी मैं एक आपको छोटी सी जो है ना वो बता देता हूँ सॉल्व करोगे कैसे ये मैं सॉल्व करने का तरीका आपको बता दूंगा एक मेथफ्रिक्स स्पेशल क्वेश्चन है बेटा ये देखो भाई इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है इंटीग्रेशन वन डिवाइड बाई की पावर एक्स माइनस का इलेवन तो ये क्वेश्चन नस्ट में बहुत आया है फास्ट में बहुत आया है क्वेश्चन बहुत मजे का क्वेश्चन है यूईटी के अंदर बहुत आया हुआ है प्यास के अंदर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन जितनी पाकिस्तान के टॉप ब्रांड है सही तो है ना भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे बहुत सिंपल चीज है इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं क्या होगी आपने दिमाग खुद यूज करना है कि यार देखो इस क्वेश्चन पे आपका पावर फॉर्मूला क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा क्योंकि जब नीचे वाली होल टर्म की पावर क्या है वन तो ऑब्वियसली वो तो अप्लाई नहीं कर सकते यहां पे हो सकता है कि डिवीजन का अप्लाई करो कैसे सर, कैसे सर सर ये देखिए ना ऊपर तो कोई टर्म ही नहीं मौजूद है कैसे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना सोचना पड़ेगा और जब वो आप सोच लोगे ना फिर आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली तो नहीं ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको क्यों क्योंकि यहाँ पे नेचुरल एक्सपोनेंट भी डायरेक्टली नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मला भी अप्लाई नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में ना तो नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मला अप्लाई कर सकते हो ना तुम पावर फॉर्मला अप्लाई कर सकते हो ना तुम कोई और पर्टिकुलर केस को अप्लाई कर हो डिविजन की ट्रिक यहां पे एक तरीके से अप्लाई हो सकती है कैसे थोड़ा सा अगर सोचोगे तो जहन में आ जाएगा तो अगर मैं इसको थोड़ा सी आपको शॉर्ट ट्रिक दूं तो आप सिंपल तरीके से क्या करोगे कांस्टेंट uh, को पहले मल्टीप्लाई uh, डिवाइड करके लेकर आओगे देन नेचुरल एक्सपोनेंट को प्लस माइनस करके लेकर आओगे उसके बाद फंक्शन को सिंप्लीफाई करवाने पे लेके जाओगे बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये फेडरल किताबों के अंदर भी क्वेश्चन मौजूद है इंटर के अंदर और सिंध बोर्ड की किताब में भी क्वेश्चन मौजूद है इंटर की किताब के अंदर इस क्वेश्चन को सिंपल पैटर्न के ऊपर सोल्व करना है खुद से सोल्व करोगे अगर ना सोल्व हो सके तो मुझे बता दिएगा मैं सोल्व करवा दूंगा आपने बट कोशिश खुद से करनी है मैंने बहुत बड़ी शॉर्टेट आप लोगों को दे दी है कैसे सोल्व होगा थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे अला मैंने दिमाग दिया है क्योंकि जब तक आप खुद से सोल्व नहीं करने की ट्राई करोगे कुछ भी नहीं कर सकते बेटा तरीके कार में बता देता हूं कि भैया डिवीजन की शॉर्ट ट्रिक पर अप्लाई करोगे, डिवीजन की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है यहाँ पे कैसे कि भैया सबसे पहले आप डिवीज़न का के जो केस नंबर वन था

टॉपिक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजे का टॉपिक है इस टॉपिक का नाम क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट अब इस टॉपिक की खास बात क्या है क्या नहीं है क्या कॉन्सेप्ट है सारी बातों को समझेंगे अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या चीज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट को बहुत से लोग अक्सर गलती करते हैं और ये कहते है, सर ये करने का होता है, को। आप जरूर कह, कह सकते हो मगर इंटीग्रेशन में रिमेंबर दिस थिंग कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मुला नहीं है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसको हम हमेशा आखिर पढ़ाते हैं कि बच्चे को समझाना बड़ा आसान हो जाता है लास्ट के अंदर अच्छा अभी तक देखो हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली है अगर मैं आपको उंगलियों के पोरों पे के बता दू भैया अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया पावर फॉर्मूला हमारा पहला टॉपिक था देन हम लोगों ने पढ़ा डिवीजन के तीन कॉन्सेप्ट दूसरे टॉपिक के ऊपर फिर टिकोनोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ लिया फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ लिया फिर एक्सपोनेंशियल मेथड पढ़ लिया और अब फाइनली अपने सिक्स्थ टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं जो कि क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत ही ज्यादा मजे का है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्या कह रहे हैं हमसे ये हमसे किस बात के ऊपर चल रहा है आ, किस चीज के ऊपर बात कर रहा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक ये कहता है कि यार देखो कभी भी अगर आपके पास दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है इंटीग्रेशन में में बहुत सिंपल थी, और बाहर उन दोनों ट्रम्स का डेरीवेटिव भी नहीं मौजूद है यानी कि दो ट्रम्स अगर आपस में क्या हो रही हूँ मल्टीप्लाई हो रही हूँ और बाहर अगर उनका डेरीवेटिव भी ना मौजूद हो तो ऐसी दो टर्म्स को फिर बादल नाख्वास्ता सोल्व करने के लिए हमें एक मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ता है जो कि आसान भाषा में कहलाता है बाय पार्ट्स मेथड अगेन मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं कि भाई डायरेक्टली आप कभी भी जो है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करते हमेशा याद रखिएगा अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको गिवेन होगा तो आप हमेशा अपनी बंदूक के पांच पहले जो आपने हथियार पड़े हुए उनको अप्लाई करोगे पावर फॉर्मूला डिविजन कॉन्सेप्ट टिकोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट एक्सपोरशियल कॉन्सेप्ट स्क्वायर मेथड, स्क्वायर कॉन्सेप्ट उसके बाद बाय पार्ट्स पे आते हाँ हैं। तो बाय पार्ट्स की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है कि अगर ऐसी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है जिनका बाहर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो बाय पार्ट्स पे मूव करना है अब देखो हमारे पास लेट सपोज दो फंक्शन है एक का नाम हमने रख दिया यू एक का नाम हमने रख दिया वी एक का नाम क्या रख दिया यू एक का नाम हमने रख दिया वी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला इनका बहुत ही मजे कर इनका फॉर्मूला कहता है कि सिंपल तरीके से यू वाली टर्म को एज इट इज लिखोगे यू वाली टर्म को एज इट इज लिखोगे इंटीग्रेशन ले लोगे वाली टर्म के ऊपर माइनस का साइन लगाओगे इंटीग्रेशन का सिंबल लिखोगे डेरिवेटिव लोगे यू वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव लोगे यू वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन लोगे v वाली ट्रम के ऊपर और बाहर एक dx का dx एज इट इज बाहर एक dx का dx एज इट इज तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है पार्ट्स का

इंटीग्रेशन लोगे बी वाली टर्म के ऊपर माइनस का साइन लगाओगे फिर इंटीग्रेशन का सिंबल डेरिवेटिव लोगे बी वाली टर्म के ऊपर और का एज इट इज क्लियर है मेरा बेटा क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा अच्छा सेकंड नंबर के ऊपर सेकेंड uh, नंबर के ऊपर अब जहन में क्वेश्चन आता है तमाम बच्चों के सर ये यू किसको लेना है वी किसको लेना है ये तो आपने बताया ही नहीं सर हमें कैसे पता चलेगा यू किसको को ले और वी किसको ले है ना भाई अगर किसी बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है तो इसके लिए हम काम क्या करते हैं हम एक मैथड को फॉलो करते हैं ये मैथड कहलाता है लियाटे मैथड क्या मैथड इस मैथड का नाम क्या है लियाटे मैथड यहाँ पे एल का मतलब होता है यहाँ पे एल का मतलब सिंपल होता है लॉग एल स्टैंड फॉर लॉग

अब बहुत सारे बच्चे और 99% परसेंट बच्चे क्या 100% परसेंट बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सर u किसको लेना है v किसको लेना है ये तो बताएं तो देखो ये चीज निकालने के लिए हम u किसको कंसिडर consider... करते हैं वी किसको कंसीडर करते हैं तो उसके लिए एक मेथड होता है इस मेथड का नाम है लियाटे मेथड ये मेथड बताता है कि आपने यू किसको कंसीडर करना है ये मेथड क्या बताता है यू कौन सी चीज कंसीडर होगी अब देखो अगर कभी भी फंक्शन के अंदर आपको लॉगरिथम गिवन है इस मेथड को देखो पढ़ने का तरीका क्या है इसको समझ लो ये लियाटे जो लव्ज है ना ये अल्फा ये इनिशियल डिफरेंट फंक्शन के यानी कि एल के मायने है लॉग आई के मायने इनवर्स ए के मायने एल्जबरा टी के मायने ई के मायने एक्सपोरेंशियल आपने हमेशा इसी सीक्वेंस को फॉलो करना होता है अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लॉग आ रहा है सबसे पहला काम अब लॉग को यू का जीरो कर लोगे अगर क्वेश्चन में लॉग भी, भी है और इनवर्स भी है यानी कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन आपसे कहा जाता है अप्लाई करो ln x sin x के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ गया देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है इसमें ln x भी आ रहा है sin x भी आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर u कौन सी टर्म होगी तो देखो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर चौथे नंबर पे है और ln कौन से नंबर के ऊपर है लॉग पहले नंबर के ऊपर है तो अकॉर्डिंग टू द लेवल जिस तरह वो बड़े वाले जनरल साहब जो होते हैं ना आर्मी चीफ बनते हैं दो होता तो बेटा आपको भी मालूम है मालूम है है अंदर ही करप्शन मगर कहने का मकसद बड़े वाले जो आर्मी चीफ होते हैं ना वाइज उनको आर्मी चीफ लगाया जाता है वैसे ही यहाँ पे लॉक साहब साहब का सिन्य में पहला नंबर है तो इनको यू सीर किया जाएगा टिकोनोमेट्री का चौथा नंबर है तो इनका नंबर बाद में आएगा इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है जहां पे आपको लेट सपोज इनवर्स का एक फंक्शन गेबे है और एक आपको गेबे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन function. दो फंक्शन देखो आपस में सिंप्लीफाई करने बाय पार्ट्स का आपको सिंप्लीफाई भी करके बताऊंगा कैसे पता चलेगा बाय पार्ट्स है वैसे ये बात साफ सिंपल है कि इनवर्स का फंक्शन भी आ गया ई e की पावर एक्स भी अब क्या करें सर तो भाई देखो एक्सपोनेंशियल का कौन सा नंबर है पांचवा नंबर है एक्सपोनेंशियल का

प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए आपकी क्या विद इन सेकंड आपको पता चलते कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा भाई मुझ जैसा नालाइक बच्चा है मेरे जैसा नालाइक हूं मैं नलाक अगर दू मैं क्या करूंगा सबसे पहले सोचूंगा कि भाई पावर फॉर्मला अप्लाई कर सकता हूँ चेक सोचो भाई सोचो देखो सोचोगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते पावर फॉर्मला अप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि दो टर्म्स आ रही है बाहर एक टर्म का डेरिवेटिव नहीं भी दोनों टर्म्स का ओके पावर फॉर्मला पढ़ाया था अप्लाई हो, हो सकता है वो भी अप्लाई हो सकता है कोई और कॉन्सेप्ट देखो भाई तो अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि भैया दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन फॉर्मला तो होता ही नहीं है अच्छा भैया अब इस बात को सोचो क्या दोनों टर्म्स आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही है कोई डेरिवेटिव भी गिवन है इसका मतलब थक हार के तुम किसके ऊपर यू इंटू बी वाले फॉर्मुले के ऊपर अब तुमने सोचना यह कि इन दोनों में से यू कौन सा है बी कौन सा है देखो फॉर्मुला क्या कहता है मैंने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताई लियाटे मेथड लियाटे मेथड के अकॉर्डिंग एल वाली चीज अगर कभी भी क्वेश्चन में लॉग आ रहा है सबसे पहले लॉक वाली टर्म को यू का कर लेंगे तो इसका मतलब एल एन एक्स के हमारा यू और एक्स वाली टर्म के हमारे पास वी तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए देखो मैंने ये बात आपसे स्टार्टिंग में कही थी खुदारा का चैप्टर नंबर आप लोगों ने जो बच्चे बोर्ड के नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ लो सही ना मैंने आपसे बात कही थी बट खैर होगी नहीं पढ़ा तो मसले की बात नहीं पे समझ लो कि भाई यू इंटू का फॉर्मूला क्या कहता है यू इंटू का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला है ये जनरेट बेसिकली हमारे पास क्या है तो फॉर्मूला क्या कहते हैं भैया देखो सिंपल तरीके से यू वाली टर्म को आपने एडिट लिखना है इंटीग्रेशन लोग वाली टर्म के ऊपर सिंपली माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल डेरिवेटिव लोगे किसके ऊपर आप यू वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव लोगे इंटीग्रेशन लेते हो वी वाली टर्म के ऊपर बाहर dx एक्स का डी ये सिंपल सा फॉर्मले आपको याद हो जाएगा भी देर के इतनी बार करेंगे तो. अच्छा भाई देखो इस फॉर्मले की खास बात क्या है? इस में तीन जगह रही। रही। मजे का फॉर्मुला है ये. अच्छा भाई तो कैसे अप्लाई करोगे बहुत बेसिक चीज के अंदर सिंपल फॉर्मले को अप्लाई कर देंगे यू की वैल्यू लिख दो यू की वैल्यू किसके बराबर है एल एन एक्स के इंटू इंटीग्रेशन वी के ऊपर माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंपल डेरिवेटिव लेना है किसके ऊपर डेरिवेटिव हम लोगों को लेना है यू वाली टर्म के ऊपर जो कि क्या है एल एन इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर वी वाली टर्म के ऊपर और बाहर एक डीएक्स का डीएक्स एज इट इज इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एल एन का एल एन एज इट इज

देखो भाई इस x से एक स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन के तो x x सिंबल uh, से बाहर निकाल दूंगा सिंपली यहाँ पे क्या बचा देखो ये जो एक्स था ये कैंसिल आउट हो गया इस एक एक्स से तो ऊपर क्या बच रहा है सिर्फ एक ही एक्स ऊपर बच रहा है हमारे पास और इसके ऊपर दोबारा से इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन गया एल एन एक्स का एलन एक्स एज इट इज क्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस का हाफ एज इट इज इंटीग्रेशन जब एक्स पे अप्लाई करोगे तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी सिंपल इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मुला क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया प्लस के सी के साथ ऑब्वियसली प्लस का सी लगाना कंपलसरी है लगा दोगे तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या आ जाएगा आएगा एलन एक्स इन टू क्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस का एक्स स्क्स के सी के साथ आंसर तो आ गया इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या हो गया सिंप्लीफाई हो गया सॉल्व हो गया देखो भाई बहुत बेसिक चीज है आपने सिंपल फॉर्मुलास को अप्लाई करना है कुछ भी नहीं काम किया इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है इस क्वेश्चन में कोई लिटरली मुश्किल चीज नहीं है सिंपल आपने देखो यू वाली टर्म को यू में प्लॉट किया v वाली टर्म को v में प्लॉट किया u वाली जहां टर्म आ रही है u वाली वैल्यू लिख के जाए v वाली वैल्यू आ रही है v वाली वैल्यू की और सिंपल तरीके से आप लोग इंटीग्रेशन लेके जाते गए u में u वाली टर्म क्या आइए देखो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आएंगे लेट सपोज फॉर एक्साम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन अपलाई करनी है किसके ऊपर एक्स की पावर एम इन टू एल एन एक्स इंटू डी एक्स आपको इस टर्म के ऊपर क्या अप्लाई करनी है इंटीग्रेशन x की पावर एम इंटू एल आपको एक्स इंटू डी एक्स आपको इसके इंटीग्रेशन देखो भाई कैसे सिंप्लीफाई करोगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे u वाली टर्म क्या है ये है आपके पास v वाली टर्म क्या आ रही है ये आ रही है आपको सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन लेनी है क्या फॉर्मला है हमारे पास u इंटू वी का बहुत सिंपल फॉर्मुला है यू वाली टर्म को

एल एन का डेरिवेटिव क्या होगा एल एन का डेरिवेटिव होगा वन डिवाइडेड बाय एक्स के बराबर और एक्स की पावर एम की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी ये आ जाएगी सिंपल तरीके से एक्स की पावर एम प्लस वन डिवाइडेड बाय एम प्लस वन और यहाँ पे बाहर डी का डी एक्स एज इट इज सिंपल तरीके से तो बेसिकली आपके पास ये क्या बन गया एल एन एक्स की पावर एम प्लस का देखो भाई मैं इसका basic concept है है ये ये जो नीचे एक मौजूद ऊपर वाले के की कैसे करेगा ये कैसे करेगा समझा समझा दे। भाई देखो कैसे cancel out करेगा मेरे प्यारे अगर मैं आपसे कहता हूँ मल्टीप्लाई करवाना है किससे ए स्क्वायर से तो बेस आर सेम दावर ऑलवेज मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ए की पावर के प्लस का फोर क्यों क्योंकि मेरा बेटा देखो सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी तो कॉन्सेंट टर्म एड हो जाएगी या फिर अगर मैं आपसे कहता हूं आपको क्या करना है आपको सिंपली मैं कहता हूं ए की पावर लेट आई आइए के प्लस वन नीचे आ रहा है ए तो ये जो एक ए होगा प्लस वाले वन को क्या कर देगा कैंसिल आउट क्यों क्योंकि भैया जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ए की पावर नेगेटिव वन बनेगा तो एक पॉजिटिव क्या हो जाएगा कैंसिल आउट इसी तरीके से ये जो एक्स है इसकी पॉजिटिव पावर वन इस वाले प्लस वन को क्या कर देगी कैंसिल आउट तो बेसिकली क्या बन गया इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करनी है सिंपल एक्स की पावर एम के ऊपर और ये डिवीजन में देखो जो एम प्लस वन आ रहा है ये क्या चीज है ये एम क्या है ये कॉन्स्टेंट टर्म है ना इसको उठा के अगर मैं बाहर निकाल दूं इंटीग्रेशन से तो सिंपली अब आपके पास क्या बन गया इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है एक्स की पावर म के ऊपर अब आप सिंपल तरीके से इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं एलएनएक्स का एलएनएक्स एज इट इज एक्स की पावर म प्लस फन एज इट इज और डिवीजन में क्या है म प्लस फन का म प्ल माइनस का वन डिवाइडेड बाय प्लस इंटीग्रेशन जब आप लोगे किसके ऊपर ऊपर की पावर m के उपर. तो क्या बन जाएगा ये ये बन जाएगा एक्स की पावर एम प्लस वन डिवाइडेड बाय एम प्लस वन इन टू सिंपल तरीके से प्लस का सी आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमने क्या कर दिया भैया सिंपल एक्स की पावर एम की इंटीग्रेशन तो एक्स की पावर एम की इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करी सिंपल पावर फॉर्मूला पावर में एक इजाफा ऊपर उसको इजाफा नीचे भी लिखोगे तो फाइनली हम इसको आंसर हमारा क्या आ गया फाइनली हमारा आंसर आ गया एलन एक्स का एल एन एक्स इन टू एक्स की पावर एम प्लस वन डिवाइडेड बाय एम प्लस वन माइनस का साइन ऊपर क्या है एक्स की पावर एम प्लस वन और देखो नीचे एम प्लस वन एम प्लस वन से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा एम प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के सी के साथ ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया इस पूरे स्टेप्स को एक दफा देख लीजिए तमाम स्टेप्स को फिर मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है जल्दी से तमाम बच्चे देखो अभी तक जो हम लोगों ने बातें करी, सिंपल बाते करी है बहुत सिंपल सिंपल सी बातें करी है फॉर एक्जाम्पल एक क्वेश्चन जो इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मशहूर क्वेश्चन है आपको तो इनफैक्ट उसका आंसर याद हो जाना चाहिए वो इतना पेपर में आपको दिखेगा इतना पेपर में आपको दिखेगा कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए याद होना चाहिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन एल एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन एल एन एक्स का ये जो एमसीक्यूज है पेपर में आपको छत्तीस हजार से ज्यादा दिखेगा हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है अब देखो कभी भी क्वेश्चन पेपर में आता है ना अक्सर बच्चे भड़ मार देते हैं गलती कर देते हैं क्या गलती करता है भैया देखो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एल एन एक्स का इंटीग्रेशन में खुदारा कोई फॉर्मूला नहीं है अच्छा यह क्वेश्चन एक और तरीके से भी आता है या फिर मैं आपसे कह दू इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है साइन इनवर्स एक्स इंटू डीएक्स के ऊपर या मैं आपसे कह दू इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है किसके ऊपर कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स के ऊपर ये तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है बच्चे को समझ में नहीं आते अब बच्चा बैठ के सोच रहा होगा

बाय पार्ट्स के हैं आपसे किस बेवकूफ ने बोला कि ये क्वेश्चन आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन के हैं ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ना ये ये बाय पार्ट्स के क्वेश्चन है अब आप चौंक जाएंगे अब आप बोलेंगे सर ये बायपार्ट के क्वेश्चन कैसे हैं सर बायपार्ट के अंदर तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई होनी चाहिए ना नहीं मेरा बेटा जरूरी नहीं है क्या कहा मैंने जरूरी नहीं है कि दो टर्म्स अगर आपको मल्टीप्लाई होते हुए दिखे तभी वो मल्टीप्लाई हो सर कैसे भाई देखो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं मैं आपसे क्या कहता हूँ कि भाई इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है एल एन के ऊपर अब आपके जहन में पहली दफा इस क्वेश्चन को देख के क्या आएगा सर ये तो एक ही फंक्शन है ये दो फंक्शन कहा है तो भैया दो फंक्शन आप बना सकते हो ना

एक्स के साथ कुछ भी नहीं है हमने वन खुद से सपोज कर ली क्योंकि जाहिर सी बात है ना एल एन के साथ कुछ भी नहीं है तो वन तो मौजूद होगा ना बेसिक में ऐसा कॉन्सेप्ट है कुछ भी नहीं है तो वन तो लास्ट लाजमी होगा तो अब देखो ये दो कितने फंक्शन बन गए दो फंक्शन बन गए कैसे एक वन और एक एल एन अब देखो यू किसको सपोज करोगे वी किसको सपोज करोगे देखो एल एन अकॉर्डिंग टू लियाटे मैथड लियाटे मैथड क्या कहता है यू कौन सी वाली टर्म होगी एल एन वाली और वी वाली कौन सी टर्म होगी वन वाली सही है ना भाई क्यों क्योंकि वन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है एल एन एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मुला नहीं होता तो यू सिंपल इंटीग्रेशन का अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली फॉर्मला अप्लाई कर सकते हैं ना मेरा बेटा आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह कैसे करेंगे भैया क्या कहता है फॉर्मूला फॉर्मूला कहता है यू वाली टर्म को एज इट इज लिख दो लिख दिया इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है वन वाली टर्म के ऊपर कर दी माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल डेरिवेटिव लेंगे किसके ऊपर यू वाली टर्म के ऊपर भैया और इंटीग्रेशन लेंगे किसके ऊपर v वाली टर्म के ऊपर और बाहर dx का dx एज इट इज तो एल एन एक्स का एन एक्स एल एन एक्स का एल एन एक्स एज इट इज लिखा जाएगा एल एन एक्स का एल एन एक्स एज इज लिखा जाएगा one की इंटीग्रेशन क्या होती है one की इंटीग्रेशन होती है सिंपल x के बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज एल एन एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या है वन डिवाइडेड बाय एक्स और वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एक्स का एक्स बाहर डीएक्स का डीएक्स एज इट इज सिंपल तरीके से क्या बन गया? LNX का, LNX agites, X का X इस एक्स जब कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा सिंपल वन और वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी सिंपली एक्स प्लस के सी के साथ तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर होता है ये पेपर में छत्तीस हजार दफा क्वेश्चन आया है छत्तीस हजार दफा क्यों क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है तो आपको तो वैसे डायरेक्टली इसका फॉर्मला याद होना चाहिए इसका आंसर आप लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतना ज्यादा भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको देखो ये क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत दफा कंफ्यूज करने के लिए देता है बच्चों को अक्सर बच्चा इसमें कंफ्यूज होता भी है तभी एग्जामिनर पूछता है कि एलन एक्सी इंटीग्रेशन मांग लेगा तो देखो एलन एक्स इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सिंपल वन सपोज कर लूंगे क्यों क्योंकि एलन का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मुला एग्जिस्ट नहीं करता जब फॉर्मुला एग्जिस्ट नहीं करता तो वन आपने खुद से सपोज कर लिया क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो वन तो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना अब आप सिंपली यू और वी के ऊपर काम करोगे इसी तरीके से देखो ये वाले जो क्वेश्चन ये भी पेपर में बहुत आते हैं मैं इनमें से एक आपको करके दिखा दूंगा एक आप खुद सोल्व करोगे तो कॉस इनवर्स वाला चलो मैं दिखा देता हूँ साइन इनवर्स आप खुद से सोल्व कर लोगे कि भाई आपको एक इनवर्स का फंक्शन दे दिया जाएगा इंटीग्रेशन में अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन में तो इन्वर्स का कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता तो कैसे सॉल्व करोगे बहुत सिंपल है पर अपनी मर्जी से वन सपोज कर लो क्योंकि अगर इस कॉस इनवर्स के साथ कुछ भी नहीं है तो जाहिर वन तो मौजूद होगा इस कॉस इन्वर्स के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो जाहिर है वन तो मौजूद है तो वन इंटू सिंप्लीफाई कर लीजिए कैसे सिंपलीफाई करेंगे v. तो सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का फॉर्मला बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला कहता है फॉर्मुला कहता है u वाली टर्म को एज इट इज लिख दोगे u वाली टर्म को एज इट इज लिखोगे इंटीग्रेशन v वाली टर्म के ऊपर माइनस का साइन अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन का सिंबल डेरिवेटिव आपने लेना है किसके ऊपर u वाली टर्म के ऊपर आपने ले लेना है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे v वाली टर्म के ऊपर और बाहर dx का dx एज इट इज बाहर dx का dx एज इट इज सही ना भाई अब आपने सिंपलीफाई कर दो क्या बन गया ये बन गया कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 की क्या होगी सिंपल x के बराबर यहां पे क्या आ गया इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन की की का डेरिवेटिव का का क्या होगा? होगा हमारे पास के के अंदर one minus, one divided by root अंदर one minus function का square, और फिर एक्स डेरिवेटिव, obviously, एक्स होता लिखने जरूरत नहीं है और यहाँ पे वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सिंपल वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी वन की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास एक्स के बराबर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे भैया फर्दर सिंप्लीफाई कैसे होगा मेरा बेटा बहुत बेसिक

क्या करेंगे अप्लाई यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर पावर फॉर्मूला जो आसान होता है हमेशा उसको अप्लाई किया जाता है क्या अप्लाई कर सकते हो सिंपल तरीके से पावर अप्लाई कर सकते दोनों नहीं कर सकते जो है, उसको कर ताकि आपका टाइम सेव हो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास ने, अच्छा नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर होल पावर में नेगेटिव हाफ और एक्स का एक्स तो का एक्स बाहर होना है तो नेगेटिव X का क्या होगा लेकर आ जाओगे कैसे लेकर आओगे सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो भैया एक दफा ये नेगेटिव के टू से मल्टीप्लाई एक दफा नेगेटिव टू से ऑब्वियसली बाहर अगर मौजूद नहीं है तो पहले आप लेकर आ जाओगे सिंपली लेकर आ गए तो तो अब आप फाइनली सिंप्लीफाई करके कर दोगे सॉल्व बेसिकली इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व मुझे ये ऑलडो के दिखाना नहीं चाहिए था वो खुद से दे देना चाहिए था बट चलिए मैं करके दिखा रहा हूं आपको कोई मसले की बात नहीं है ताकि आपको समझ में आ जाए कोई प्रॉब्लम की बच्चा बात नहीं है सही ना तो क्या बन गया नेगेटिव नेगेटिव प्लस कवर डिडेड बाय टू और यहाँ पे फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई जब कर दोगे तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का हाफ प्लस वन क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हाफ ऊपर भी लिखा जाएगा नीचे भी लिखा जाएगा प्लस के सी के साथ अभी ऑब्वियसली बाद में वगैरह करवा दोगे तो सॉल्व हो जाएगा फर्दर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो ऑब्वियसली नेगेटिव का आपको सिंप्लीफाई और कर सकते हो मैंने वो जानबूझ के भी नहीं करा कहने का मकसद क्या है वो बेसिक चीज है जिसको पर आपको सिंप्लीफाई हो रहा होगा एनी वन ऑफ यू जिसको इसमें प्रॉब्लम है एनी वन ऑफ यू कोई मसला है देखो यहाँ पे हमने एक और तरह की चीज को डिस्कस कर लिया और वो चीज क्या है कि हमारे पास बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और वो बेसिक

बाय पार्ट्स में तो काफी सारी शॉर्टेज आपको भी करवाऊंगा तो एक शॉर्टेज सबसे इंपॉर्टेंट की फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट्स सपोज इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम इंटू एल एन एक्स इंटू डी एक्स का आपको डायरेक्टली फॉर्मुला बेसिक कॉन्सेप्ट का आपको आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कि भाई कभी भी आपके पास ये पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन आ रहा है ना तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर क्या होता है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होता है एक्स की पावर एम प्लस वन यानी कि जो भी पावर आ रही है एक्स की उसमें एक इजाफा उसको एक दफा आप नीचे लिख रहे होते हो और फिर ब्रैकेट के अंदर सिंपल आपने क्या करना है एल एन एक्स का एल एन एक्स नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाई एम प्लस वन

जल्दी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जब इंटरमीडिएट साइड के ऊपर या ए लेवल्स वाली साइड के ऊपर या फेडरल वाली साइड के ऊपर पूछे जाते हैं तो वहां पे समझ में आता है वहाँ पे टाइम गिवन होता है यहाँ पे नस के पेपर में फास्ट के पेपर में एनईडी के पेपर में यूटी के पेपर में इतना टाइम ही बच्चे के पास नहीं होता अब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना वो क्या करेंगे नॉर्मल बाय पार्ट्स का मेथड अप्लाई करने में चले जाते तो उनसे उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है तो एक शॉर्ट ट्रेक में रखिएगा कभी भी अगर एक्स के ऊपर कोई भी पावर गिवेन हो इन टू एलन आपके पास आ रहा हो आप एक शॉर्ट ट्रिक के ऊपर विद इन में आंसर निकाल सकते हो मैंने जान के शॉर्ट ट्रिक पहले नहीं पढ़ाई थी क्यों क्योंकि पहले मैंने आपको यही क्वेश्चन ओरिजिनल मेथड पे सॉल्व करना सिखाया देखो मैं चाहूं तो मैं भी नॉर्मल टीचर्स की तरह जुगाड़ आपको पहले सिखा सकता था बट मैंने आपको पहले ओरिजिनल मैथड का कॉन्सेप्ट आपको ऑरिजनल मैथड जाना जरूरी था अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक पे कैसे करूंगे देखो फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर

आपके जहन में कॉन्सेप्ट मौजूद है भाई कभी भी टर्म की पावर आ रही हो इन टू एक्स विद इन सेकंड में चुटकी बजा के सॉल्व करना है सिंपल तरीके से एक्स की एक्स लिखना है जो भी एक्स वाली वैल्यू उसको लिखोगे पावर में एक इजाफा कर दो तो ऊपर फोर प्लस वन क्या बन गया फाइव उसको एक बार नीचे भी लिख दो सही है ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पे ब्रैकेट का ब्रैकेट LNX को लिखोगे दिया, लिख दिया, का साइन वन डिवाइडेड बाय जो भी पावर आ रही हो पावर एक दफा नीचे एडिट लिख लिखोगे सी के साथ सेकंड्स में आंसर आ गया विद इन सेकंड्स में क्या आ गया भैया आंसर आ गया तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक आ गई इसकी एक सिंपल सी क्लियर है मेरा प्यारा बेटा एक शॉर्ट ट्रिक आ गई अच्छा आगे मूव करते हैं एक और कॉन्सेप्ट है बेटा शाहजेब जब अभी टॉपिक चल रहे हैं तो बच्चा पहले आप उस चीज को देखो जो चीज क्लास में करवा रहा हूं अभी उस चीज को आप छोड़ दो आप जो चीज एक एजेंशन के ऊपर तो आप मुझसे पूछ रहे हो तो आप काइंडली उस चीज को खुदा देखो जो चीज आपको क्लास में करवा रहा हूँ बेटा अभी टॉपिक मैंने एंड नहीं करा जब टॉपिक एंड कर दूंगा तो मैं आपको यहाँ वाला क्वेश्चन बिल्कुल एंटरटेन कर सकता हूँ कि भाई इस चीज के ऊपर से क्या होगा एक इमेजनरी चीज अभी मुझसे पूछ रहा हूँ इमेजरी तो बेटा अभी टेंशन आ लो पहले टॉपिक समझो पूरा टॉपिक चल गया है अच्छा इसी तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होता है और ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और भी ज्यादा मजे का है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ

अगर कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बाय पार्ट में अब देखो मुझे कैसे पता चलता है बाय पार्ट का क्वेश्चन मुझे बहुत सिंपल तरीके से पता चल सकता है बाय का क्वेश्चन है और वो कैसे क्या देखो यहाँ पे बच्चा एल्ज्रिक टर्म भी आपको गिवन है और एक भी गिवन है. अगर अब आप सॉल्व करने पे जाते हो लियाटे के मेथड के ऊपर अगर अब आप सॉल्व करने के लिए जाते हो किस मेथड के ऊपर लियाटे वाले मेथड के ऊपर तो अकॉर्डिंग टू लियाटे मेथड आपका यू क्या होगा वी क्या होगा देखो भाई आपके पास टोनोमेट्रिक कौन से नंबर पे है चौथे नंबर पे है एल्जब्रिक कौन से नंबर पे तीसरे नंबर पे क्योंकि एल्जब्रा वाली टर्म पहले आ रही है तो ऑब्वियसली यू क्या होगा एक्स की पावर फोर एल्जबरा और वी क्या होगा साइन एक्स साइना भाई देखो इस तरीके से सबसे पहले सिंपलीफाई लेते हैं कि हमारा यू क्या है वी क्या है कैसे सिंप्लीफाई करा चूंकि अल्जब्रा का नंबर पहले आता है तो अल्जब्रा थर्ड पे है तो एल्जबरा यू आ गया और वी चूंकि हमारा क्या है साइन एक्स साइनक बाद में आ गया वी के ऊपर आ गया अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रॉब्लम क्या होगी पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या रीजन है कि इस क्वेश्चन को मैंने अपने लेक्चर का हिस्सा बनाया हुआ क्या रीजन है क्यों मैं इसको इग्नोर नहीं कर सका क्या प्रॉब्लम है देखो ये क्वेश्चन आपके पांच नंबर में अगर सोल्व करने के लिए आए ना तब तो समझ में आता है क्यों सर क्या रीजन है सर क्या प्रॉब्लम होगी अगर नॉर्मल मेथड पर सॉल्व करें बेटा अगर नॉर्मल मेथड पर सॉल्व करोगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम दस मिनट लगेंगे सर ऐसा कैसे क्यों होगा देखो यू वाली टर्म को रेडी लिखोगे ना फिर इंटीग्रेशन लोगे बी वाली टर्म के ऊपर ऐसा ही है फिर माइनस का साइन अप्लाई करोगे अगर तुम नॉर्मल मेथड पे सॉल्व कर लो और फिर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे किसके ऊपर यू वाली टर्म के ऊपर फिर इंटीग्रेशन लोगे किसके ऊपर वी वाली टर्म के ऊपर और बाहरी एक डीएक्स का डीएक्स एज इट इज तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होगी आपके पास यहाँ पे जो आपको एक फंक्शन गिवेन है

अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा की तो क्या आंसर आएगा आएगा और यहाँ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ये हो जाएगा येगाक्स और साइनक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी कॉस एक्स और बाहर एक इंटीग्रेशन और मौजूद है तो ये जो आपके पास फंक्शन बन गए कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे दोबारा फिर आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी और दोबारा से आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा बाई पार्ट का मेथड दोबारा से यू इंटू वी का अप्लाई करोगे फिर सोल्व करने पर जाओगे फिर दोबारा से यू इन टू भी अपलाई करना पड़ेगा फिर सॉल्व करने पे जाओगे फिर यू इन टू भी अपलाई करना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन तो भाई इंटर बोर्ड और फेडरल बोर्ड के अंदर पांच नंबर के लिए कंपलसरी आता था, था बहुत सारे सालों तक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंगे इंटर के लिए क्योंकि वहां तो ऑब्वियसली स्टेप शो करने होते हैं डिटेल में देते थे ये क्वेश्चन वाला मगर एपिट्यूड के अंदर भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक पर सोल्व करना सिखाऊंगा मगर बताने का मकसद क्या है कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा अभी आपको खाली में बताने का मकसद क्या है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि इस तरीके से यू इन टू वी वाला काम चलता जाएगा जब तक के जब तक के ये x की पावर फोर का डेरिवेटिव ले लेके लेके ले लेके ले 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 बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा जब तक ये u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई होता रहेगा

पढ़ोगे अगर नहीं पढ़ाना तो बेटा पढ़ोगे वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सही है ना भाई तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है शॉर्ट ट्रिक बहुत सिंपल है आपने सिंपली क्या करना है बहुत मजे का काम करना है आपको मजे से समझाऊंगा भाई सिंपल तरीके से एक तरफ लिखो खूबसूरत सा u एक तरफ लिखोगे खूबसूरत सा v सही है ना एक तरफ क्या लिखोगे खूबसूरत सा u एक तरफ लिखोगे v u वाली टर्म क्या है x की पावर 4 v वाली टर्म क्या है sin x सबसे पहला काम क्या करोगे U वाली टर्म्स का सबसे पहला काम क्या करो U वाली टर्म का कंटिन्यूस डेरिवेटिव ले लो U वाली टर्म का क्या ले लो कंटिन्यूस डेरिवेटिव लेना आता है ना मेरा बेटा कंटिन्यू डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कंटिन्यूस डेरिवेटिव सिंपल तरीके से x की पावर फोर का एक दफा डेरिवेटिव लोगे क्या बन गया फोर एक्स क्यूब फिर एक और दफा डेरिवेटिव लोगे क्या बन जाएगा सर ये बनाएगा फोर थ्री जो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर एक और दफा डेरिवेटिव लोगे क्या बन जाएगा, एक जाएगा. एक और क्या बन ट्वेंटी फोर फिर एक और दफा डेरिवेटिव लोगे क्या बन जाएगा जीरो यानी कि आपने जो u वाला फंक्शन है इसका इतनी दफा डेरिवेटिव लेना है टिल जीरो तक इसका आपने जीरो तक डेरिवेटिव लेना है सही है ना अब आपने v के ऊपर जो u वाली टर्म होती है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं और v वाले फंक्शन का हम लोग क्या लेंगे इंटीग्रेशन देखो फॉर्मूले में वाली का इतना डेरिवेटिव हैं कि आपके पास फाइनली जीरो आ जाए तो अब आपने जहां तक जीरो आए वहां तक इस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन लेना है अब आपने साइन एक्स वाले फंक्शन का इतना इंटीग्रेशन लेना है जहां तक आपके पास ये आ रहा है अल्लाह करे जहां तक आपके पास जीरो आ रहा है तो साइन एक्स का एक दफा इंटीग्रेशन लीजिए तो क्या बनेगा

नेगेटिव का कॉस एक्स फिर नेगेटिव की इंटीग्रेशन लोगे तो क्या बन जाएगा का sin. अच्छा भाई। फिर दोबारा से जब आप नेगेटिव केवेटिव क्या, तो क्या हो गया पॉजिटिव का कॉस हो गया फिर कॉस का जब आप क्या लोगे इंटीग्रेशन लोगे तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या, हो हो क्या होती है पॉजिटिव का साइन एक्स होती है साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है नेगेटिव का कॉस एक्स होती है तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी वहां तक इंटीग्रेशन लेनी है जब तक जीरो नहीं आया था जीरो तक की टर्म की यानी जहां पे आपको डेरिवेटिव पे जीरो मिल रहे ना वहां तक की आपने स्टेप के अंदर अपनी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है बेटा ये इंटीग्रेशन तो क्या मत मतलब तक चलती रहेगी क्योंकि साइन एक्स इंटीग्रेशन कॉस होती है कॉस की साइन होती है साइन की कॉस कॉस की साइन तो चलती रहेगी तो भैया अब करना क्या है शॉर्ट ट्रिक समझिएगा शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है देखो यहां तक मैंने कोई मुश्किल बात नहीं करी है यहां तक मैंने बहुत सिंपल सी बातें करी हम लोगों ने अब करना क्या है देखो बचपन में आप मैचिंग दी मैचिंग खेलते थे ना बचपन में जब नर्सरी क्लास में होंगे तो मैच मैच खेलते होंगे ऐसे करके देखो ये पहली वाली लाइन को दूसरी लाइन पे मैच करवा दूंगा फिर इस लाइन को इस लाइन पे मैच करवा दूंगा फिर इस लाइन को इस लाइन पे बचपन में जो खेलते हैं ना मैचिंग मैचिंग बिल्कुल वैसी मैचिंग मैचिंग खेल रहे हैं तो भाई देखो इस लाइन को इस पे मैच करवा दिया फर्स्ट वाली टर्म को सेकंड पे सेकंड वाली को थर्ड पे थर्ड वाली को फोर्थ पे फोर्थ वाली को फिफ्थ के फिफ्थ वाली को सिक्स पे मैचिंग की मैचिंग ये काम कर दिया मैचिंग की मैचिंग अच्छी लगी ना गेम खेलना अब क्या करना है देखो बचपन में खेलते ना प्लस माइनस तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आगे कोई और लाइन नहीं है तो माइनस भी करते ये सिंपल सा काम कर दिया देखो कितने मजे का काम है ना बहुत मजे का लोग कहते हैं देखो इंटीग्रेशन मुश्किल है मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है ये तो बहुत मजे का काम किया अब सिंपली आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन अब सिंपली आंसर लिखोगे आंसर कैसे लिखेंगे देखो और से ये हेड एंड टेल रूल पे मूव कर रहे हैं ये जो आपके पास एरो आ रहे एरो की जो टेल है और एरो का हेड है ये रहा भैया इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो क्या बन गया और बीच में साइन कौन सा प्लस का तो प्लस माइनस माइनस आएगा एक्स की पावर फोर इंटू कॉस एक्स क्या आ गया एक्स की पावर फोर इंटू कॉस एक्स फिर नेक्स्ट नंबर पे जाओ अगला नंबर क्या है देखो फोर एक्स क्यूब माइनस का साइन एक्स और बीच में साइन कौन सा माइनस का तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो क्या बन जाएगा प्लस का फोर एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स आगे मूव कर लो आगे देखो आगे क्या है ट्वेल्व एक्स स्क्वायर और देखो इसका दूसरा किनारा का है कॉस एक्स पे बीच में साइन कौन सा है प्लस का क्या बन जाएगा प्लस का प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्टू कॉस एक्स अगला नंबर देख लो भैया क्या है ट्वेंटी फोर एक्स बीच में माइनस इंटू साइन एक्स सिंप्लीफाई कर दो क्या बन जाएगा माइनस का प्लस माइनस माइनस तो माइनस का ट्वेंटी फोर एक्स इंटू साइन एक्स आगे सिंप्लीफाई कर दो आगे क्या बन जाएगा प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस का माइनस ट्वेंटी फोर इंटू कॉस एक्स ट्वेंटी फोर इंटू कॉस एक्स

मजे की है मेरा बेटा कोई मसला इसके अंदर कोई प्रॉब्लम की बात इसके अंदर कोई मसले की बात इसके अंदर तो देखो ये हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे जब कभी इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए कि आपको कंटीन्यूअस फंक्शन गिवन हो मैं भी इसका आपको और भी क्वेश्चन दिखा हूँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बात समझेंगे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि इंटीग्रेशन x³ cos x into dx आपको इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है कैसे सॉल्व करोगे भैया बहुत सिंपल सी बात है देखो भाई सिंपल तरीके से सबसे पहले फिगर आउट करो एक्स आपके पास यू क्या होगा बी क्या होगा देखो भाई यू वाली कौन सी टर्म है यू वाली टर्म होगी आपके पास एल्जरिक वाली और जो कंटिन्यूस फंक्शन वाली टर्म हो वी वाली टर्म होगी मेथड पे भी चेक कर लो यही चीज आएगी अच्छा भाई तो आपने लिखा यहां पे, यहां पे आपने वी लिखा सही है अच्छा इंटीग्रेशन तो वी वाली टर्म का क्या लेते हैं है? इंटीग्रेशन बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है करना क्या है आपने करना आपने कुछ भी नहीं है आपने बहुत सिंपल सा काम करना है देखो भाई यू वाली क्या है आपके पास एक्स टर्म क्या है आपके पास सिंपली कॉस एक्स आपने सिंपली इस टर्म का कंटिन्यूस डेरिवेटिव लेना है पहला स्टेप क्या कंटिन्यू डेरिवेटिव एक्स सुपर डेरिवेटिव क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर फिर डेरिवेटिव क्या होगा सिक्स एक्स फिर डेरिवेटिव क्या होगा सिक्स फिर डेरिवेटिव क्या होगा जीरो तो यहां तक आप पहुंच गए एक है डेरिवेटिव लेते हुए चलना है सही है ना भाई आपने सिंपल डेरिवेटिव ले लेना है अब कॉस एक्स पे क्या करना है कॉस एक्स के ऊपर हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन अब चूंकि फंक्शन है तो कहां तक की इंटीग्रेशन लेंगे ये हमें डिफाइन करेगा डेरिवेटिव जितने स्टेप में डेरिवेटिव आए उतने स्टेप तक इंटीग्रेशन लेके चलनी है तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है पॉजिटिव का साइन एक्स फिर साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी नेगेटिव का फिर कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव के कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव का साइन एस और नेगेटिव के साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नेगेटिव का कॉस होता है नेगेटिव नेगेटिव प्लस का सिंपली क्या बन जाएगा प्लस का कॉएक्स हो जाएगा तो ये आपके यहाँ प्लस का कॉसेक्स आ गया अब सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था ना ये मैचिंग द मैचिंग मैचिंग दी मैचिंग करेंगे मैचिंग दी मैचिंग पहली वाली टर्म दूसरी वाली पे दूसरी वाली तीसरी वाली पे तीसरी वाली चौथी वाली पे चौथी वाली पांचवी वाली पे कर दिया भैया मैचिंग की मैचिंग हो गई गेम खेल ली अब बचपन का मेथड भैया प्लस, प्लस, पहला आंसर क्या होगा एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स दूसरा क्या होगा माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स फिर प्लस माइनस माइनस सिक्स एक्स इंटू साइन एक्स फिर प्लस माइनस माइनस सिक्स इंटू कॉस एक्स प्लस के सी के साथ आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया विद इन सेकंड के ऊपर सॉल्व हो गया इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा विदिन सेकंड्स के ऊपर सॉल्व हो जाएगा नहीं मेरा बेटा वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते देखो आपको भी कुछ-कुछ चीजों में पता चलेगा सही है ना भाई आपको भी कुछ-कुछ चीजें समझ में भी आιστα आισταएंगे ना फोन थोड़ी आएगी मेरे बच्चा इस तरीके से हम इसको बहुत सारी चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली ये कहाँ पे अप्लाई करोगे जरा बात को आप समझ लीजिएगा बात को मैं समराइज करूंगा देखो वहां पे अप्लाई करना है आपने इसको जहां पे भी अगर कभी भी आपके पास एल्जब्रिक फंक्शन गेवन हो कभी भी आपके पास एलज्रिक फंक्शन गेवन हो और एलजबरिक के साथ आपको के अंदर हो हो या हो, वहां पे शॉर्ट ट्रिक ट्रिक अप्लाई करोगे शॉर्ट कहां पे अप्लाई करने की कंडीशन है जहां पे एल्ज्रिक फंक्शन हो और साथ में साइन या कॉज का फंक्शन हो वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हो इसको मैं एक और तरीके से बता सकता हूँ फॉर एक्जाम्पल एक और कॉन्सेप्ट है जहां पे आप शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो वो कहां पे है कि अगर आपको कभी भी एल्जब्रिक फंक्शन दे दिया जाए और साथ में और साथ में नेचुरल एक्सपोनेंट दे दिया जाए और साथ में क्या दे दिया जाए नेचुरल एक्सपोनेंट दे दिया जाए e की पावर x तो वहां पे भी आप शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है पेपर में बहुत आया ये क्वेश्चन भी आ, ये क्वेश्चन क्या था इंटीग्रेशन x की पावर क्यूब इंटू e की पावर एक्स इंटू डी एक्स तो यहां पे भी आप शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो कैसे भैया बहुत सिंपल है ये देखो आपने सिंपली अगर इसका पर्टिकुलरली uh, कॉन्सेप्ट को देखो तो भाई ई e की पावर एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो कंटिन्यूस ई e की पावर एक्स ही आता रहेगा हमारे पास आंसर में ई e की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई e की पावर क्स होगी फिर उसकी ई की पावर एक्स होगी फिर उसकी ई की पावर एक्स होगी तो ये कहानी चलती जाएगी तो इसीलिए इसको रोकने के लिए शॉर्ट ट्रिक है क्या आप सिंपल तरीके से सिंपलीफाई कर दो कैसे तो भाई आप बेसिक वे में मूव करो ना बेसिक वे आपसे क्या कह रही है आपसे बेसिक वे कहती है कि भैया आपने करना क्या है आप इसको यू कंसिडर कर लो इसको बी कंसिडर कर लो सिंपल तरीके से अब आपके पास देखो क्या है आपके पास एक टर्म आ गई एक्स क्यू एक टर्म आ गई आपके पास सिंपली ई की पावर एक्स ये आपका यू टर्म है ये आपकी वी वाली ट्रम में चुकी यहां भी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन आप को यूज कर लो क्यों क्योंकि आपके पास आपको अगर नॉर्मल में सॉल्व करने को पता हो बहुत लंबा मेथड है अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपके फेडरल बोर्ड की किताब में मौजूद है पंजाब बोर्ड की ये क्वेश्चन आपके सिंध बोर्ड की किताब में मौजूद है वहां तो पर सॉल्व करो वहां पर पांच नंबर छह नंबर सोल्व कर रहा हूँ यहां पे आप नॉर्मल वे में सॉल्व कर रहे हो शॉर्ट के ऊपर ताकि आप विद इन सेकंड में एमसी उसके सॉल्व कर सको क्या तरीके कार है सेम मेथड है कि एक्स क्यूब की पहले डेरिवेटिव दे लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर फिर सिक्स एक्स बन जाएगा फिर सिक्स बन जाएगा फिर जीरो बन जाएगा उतनी

फिर क्या बन जाएगा नेगेटिव का सिक्स इंटू ई की पावर एक्स तो यहां पे भी, भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इस तरीके से तो इसका एक आंसर पेपर में ये भी हो सकता है कि अगर आप और से देखो तो तमाम टर्म से ई e की पावर एक्स कॉमन आ रही है तो ई e की पावर एक्स को एक ही कॉमन ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स माइनस का सिक्स प्लस का सी ये भी इस क्वेश्चन का एक आंसर हो सकता है पेपर में नस्ट के पेपर में क्वेश्चन आया था तो वहां पे इस आंसर के ऊपर पूछा था ऑप्शन तो ये भी आंसर हो सकता है पॉइंट इज ड्यूस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं दो इसकी ट्रिक्स है दो जगह ऊपर अप्लाई नॉर्मली होगा जब कभी एल्जबरिक फंक्शन और साइन या कॉस ने क्योंकि साइन या कॉस में अल्टरनेट फंक्शन आपके पास को साइन या कॉस कंटिन्यूस फंक्शन है तो अल्टरनेट सिंबल आपको देते रहेंगे दे साइन पे कॉस देगा कॉस पे साइन देगा साइन पे कॉस देगा कॉस पे साइन देगा इसलिए कर रहे हो दूसरे नंबर के ऊपर आप इसको नेचुरल उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो सही भाई एक छोटा सा सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कि भाई भाई इसको मैंने अभी तक पढ़ाया क्यों नहीं था उसके पीछे रीजन क्या थी एरिया अंदर पूरी पूरी अप्लाई हो रहा होता है, हमेशा इस को सबसे के अंदर पढ़ाया जाता है या बहुत से टीचर स्टार्टिंग में भी पढ़ा देते हैं डिपेंड करता है, टीचर तो टीचर. है? इंटीग्रेशन यहाँ पे होती है बी यहाँ पे होता है स्मॉल ए और यहाँ पे सिंपल वाई यानी कि फंक्शन इनटू डी एक्स का डीएक्स ये आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है एरिया अंडर दी कर्व का पहले जरा इस फॉर्मुले को समझ लेते हैं इस फॉर्मुले में है क्या चीज भाई एरिया अंडर दी कर्व का फॉर्मूला कहता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स ये जो बी और ए है इसको हम क्या कहते हैं है? मैथ्स के में इसको कहा जाता है लिमिट्स इसको कहा क्या कहते हैं हम लोग लिमिट्स अच्छा भाई इन लिमिट्स की एक थोड़ी सी तस्वीर मैं कर देता हूँ बी के मायने होते हैं अपर लिमिट बी को कहते हैं अपर लिमिट और ए को कहते हैं हम स्मॉल ए को लोअर लिमिट यानी कि बी का मतलब अपर लिमिट होता है ए का मतलब क्या होता है लोअर लिमिट और ये वाई के मायने क्या है वाई आपके फंक्शन को डिनोट कर रहा होता है कि आपको जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है वाई यानी कि वो फंक्शन होता है अब जरा बात को समझते हैं कि बात का कॉन्सेप्ट क्या है बात क्या है हमारे पास भाई फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन कुछ, दिखाता हूँ लेट्स सपोज हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है हमसे कहा जाता है कि भैया आपको एरिया अंडर दी कर्व निकालना है एग्जामिनर सिंपल सी बात करेगा आपको क्या निकालना है एरिया अंडर दी कर्व इसको मैं एयूसी कह रहा हूँ एरिया अंडर दी कर्व और उसकी इक्वेशन क्या है आपको कर्व की इक्वेशन गिवन होगी कर्व की इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस का फाइव डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और आपको आगे उसने लिमिट्स दे दी

वो सब नहीं है यहाँ पे यहाँ पे सिंपल लिमिट्स के मायने क्या है इंटीग्रेशन के ऊपर नंबर्स का होना अच्छा अब देखो आपसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पेपर में आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक सिंपल क्वेश्चन कि आपसे कहते हैं एरिया अंडर दी कर्व फाइंड करना है और आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है y x तो का 5 x2 और आपको आगे नंबर्स गिवन है 2, 4 ऐसे नंबर्स गिवन होंगे लिमिट्स हैं अब देखो अप्लाई कैसे करोगे भाई आपने फौरन से सोचा कि यार सर ने हमें एरिया अंडर द कर्व का फार्मूला पढ़ाया था क्या फार्मूला होता है एरिया अंडर द कर्व कि इंटीग्रेशन विद लिमिट्स इंटू वाई इंटू डी एक्स ये सिंपल सा फॉर्मूला एरिया अंडर दी कर्व का तो आपने क्या करना होता है इसको समझिएगा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको यहाँ पे दो नंबर गिवेन एक नंबर है टू एक नंबर है फोर अब हमारे जहनों में आना चाहिए कि सर हमारे पास ए क्या होगा बी क्या होगा हमेशा याद रखिएगा बी होती है अपर लिमिट यानी कि इन

के क्वेश्चंस पेपर में गिवन होंगे इस तरह के तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं जरा इसको तरीका देखिएगा कि आपने स्टार्टिंग के अंदर इन नंबर्स को भी इग्नोर कर देना है आपने ऐसा बिहेव करना है जैसे आपके जब अम्मा बाप को बुला रहे होते हैं ना आप उनकी बात नहीं सुनते तो बिल्कुल आपने वैसे ही बिहेव करना है कि भाई आपने कुछ देखा ही नहीं है आपने बिल्कुल अनजान हो नंबर से आपने सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देना है इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो तमाम बच्चों को सिखा चुका हूं कि भाई अगर आपके पास इस टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो इंटीग्रेशन का साइन बारी-बारी दोनों वेरिएबल्स के ऊपर चला जाएगा एक दफा ये जाएगा एक्स के ऊपर और एक दफा ये चला जाएगा आपके पास सिंपली 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के ऊपर तो x स्क्वायर नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगा नेगेटिव का 2 हां

क्या होगी पावर में एक इज़ाफा ऊपर उसको एक दफा नीचे लिख दिया जाएगा और जब इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया तो ये लिमिट सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आ जाएंगी प्लस के सी के साथ सही है ना अच्छा बहुत दफा हम जब हम एरिया अंडर दी कर्व का है जब हम लिमिट्स हमें गिवेन होती हैं हम सी यूज़ नहीं करते वहां पे जब भी आपको जब भी आपको रखिएगा कि अगर के के लिमिट्स तो नहीं करते कर, क्यों? ना तो हमें के भी निकालेंगे। अभी आपने सबसे पहले काम क्या कर दिया दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपने सिंपली इंटीग्रेशन को अप्लाई किया है यहाँ पे हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन जब अप्लाई हो जाती है तो लिमिट्स हमारे पास ब्रैकेट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाती है अच्छा भाई अच्छा देखो अब अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर कोई ऐसी टर्म है जो कि कांस्टेंट नंबर है तो आप उस कांस्टेंट नंबर को ब्रैकेट से बाहर शिफ्ट कर सकते हो कोई मसले की बात नहीं यानी कि जो नीचे टू आ रहा है इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूं तो इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि ये नंबर है और यहाँ पे लिमिट्स ब्रैकेट के बाहर फंक्शन के ऊपर एज इट इज रहेंगी इसी तरीके से नेगेटिव वन जब बाहर जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा प्लस का साइन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया एक्स इनवर्स पावर में फोर और टू एज इट इज ये लिमिट्स हैं आपकी सही है अब आप फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे देखो लिमिट्स अप्लाई कैसे होती हैं लिमिट्स अप्लाई करने का फॉर्मूला होता है लिमिट्स अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप सिंपल तरीके से जो भी आपको फंक्शन गिवेन होगा उसमें एक दफा अपर लिमिट की वैल्यू डालते हो माइनस का साइन लेते हो एक दफा लोअर लिमिट की वैल्यू डालते हो ये सिंपल से इंटीग्रेशन में लिमिट्स अप्लाई करने की स्ट्रेटेजी होती है कि लिमिट्स अप्लाई कैसे होती है कि फंक्शन में एक दफा अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट यानी कि हाफ का हाफ देखो यहाँ पे एज इट इज रहेगा आपने सिंपल इस फंक्शन के ऊपर लिमिट्स कैसे अप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर के ऊपर अपर लिमिट आपकी फोर है तो जो फंक्शन है वहां पे जो आपका इनपुट है वहां पे आप एक दफा लिख दोगे अपर लिमिट की वैल्यू माइनस का साइन लगाओगे फिर इसी फंक्शन में एक दफा डाल दोगे आप लोअर लिमिट लोअर लिमिट क्या है हमारे पास टू तो टू का स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया प्लस का फाइव एज इट इज का एज इट इज इस. इसी तरीके से देखिए एक्स इनवर्स की होल पावर क्या है आपके पास लिमिट्स क्या है फोर और टू तो यहाँ पे भी आप लिमिट्स को यूज करोगे कैसे हैं? कि एक दफा हो जाएगा फोर की पावर नेगेटिव माइनस का साइन

जाएगा सिक्स माइनस का फाइव डिवाइडेड बाय फोर आपने इसका फर्दर एलसीएम लेना है एक दफा जिस तरह बेसिक मैथ्स में हम एलसीएम लेते हैं कि भाई चूंकि आपके पास नर्स के अंदर फास्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा आपके पास आईबी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा यूटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आपने बेसिक वे में इसका एल्सियम ले लेना है एल्सियम कैसे लेते हैं भाई इस सिक्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन होगा तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी ये फोर जाके अपने क्रॉस के ऊपर सिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स फोर जार बन गया वन जाके फाइव से मल्टीप्लाई हो तो फाइव अंतर फाइव चौबीस में से जब पांच निकालोगे तो जाहिर उन्नीस अशार्य उन्नीस बाय चार बच जाएगा तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा मैं दोबारा पूरी चीज रिपीट कर देता हूँ देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर कभी भी इंटीग्रेशन पे लिमिट्स आ जाए तो कैसे अप्लाई करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एरिया अंडर दी कर्फ समय मिल रहा होता है और बेसिक वे में भी मिल रहा होता है कि बहुत दफा आपको एरिया अंडर दी कर्व का इक्वेशन गेवे होगी और आपसे कहा जाएगा कि भैया एरिया अंडर दी कर्व की वैल्यू निकालनी है या सिंपल आपको इस तरह का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है ये

पावर क्यूब वन और नेगेटिव वन हमारी क्या है लिमिट्स हैं अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा दो लिमिट्स को अप्लाई करवा दो लिमिट्स अप्लाई कैसे होती है भाई सिंपल आपने यहाँ पे अपर लिमिट एक दफा डाल देनी है फंक्शन में माइनस का साइन ये फॉर्मुले का है एक दफा आप डाल दो यहाँ पे लोअर लिमिट को और फंक्शन एजिटिस का एजिटिस रहेगा अब इसको आप एक दफा सोल्व करवा लेंगे तो क्या बन जाएगा वन का क्यूब क्या होता है वन ही होता है माइनस का साइन एजिटिस नेगेटिव वन का क्यूब क्या होगा नेगेटिव का क्यूब बेटा देखो ये ऑड पावर है ऑड पावर नेगेटिव साइन को नेगेटिव ही रहने देती है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस

क्योंकि अब आपका आंसर आई कॉन्स्टेंट की फॉर्म में रहा है मैं जरा बात को एक और तरीके से समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन में लिमिट्स आपको लिमिटे जीरो और, और आपको क्वेश्चन है सपोज का होल स्क्वायर अब भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बहुत बेसिक वे में कि भाई क्या तरीके का आ रहा है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का आपने अभी लिमिट्स की खुदारा टेंशन नहीं लेनी जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रही है और बेटा अभी कोई टेंशन नहीं लेनी सही है ना आपने सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को भी अप्लाई कर देना है इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करोगे मेरा बेटा बहुत बेसिक है कि भाई आपके पास देखो यहां है तो सबसे पहले पे ओपन कर लो आप के होल स्क्वायर का तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का टू प्लस का वन का वन एज इट इज और बाहर डी का डीएक्स एज इट इज अब आप सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दोगे इन तीनों टर्म्स के ऊपर अलहदा अलहदा तो बेटा ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन एक दफा चली जाए एगी एक्स स्क्वायर के ऊपर फिर एक दफा इंटीग्रेशन चली जाएगी हमारे पास 2X के ऊपर फिर एक दफा इंटीग्रेशन हमारे पास चली जाएगी सिंपल वन के ऊपर तो इस तरीके से आपने बारी बारी इंटीग्रेशन को तीनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई अप्लाई करवा दिया अब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को आपने कैसे करना है X की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगी ऑब्वियसली और जब आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देते हो तो जो लिमिट्स होती है ये ब्रैकेट के बाहर चली जाती है प्लस का साइन एज इट इज देखो यहाँ पे टू की इंटीग्रेशन क्या होगी ये टू का टू इज x की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स स्क् डिवाइडेड बाई टू तो इस टू से टू कट गया और आपकी जो लिमिट्स होंगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चली जाएंगी इसी तरीके से यहाँ पे होगा वन की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा इंटीग्रेशन तो मैं आपको सिखा चुका हूँ यहाँ पे लिमिट्स का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को वन की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा सिंपल एक्स होती है और लिमिट्स यहाँ पे आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चली जाएंगी आपने सबसे पहले इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई अब लिमिट्स को यूज करना है तो लिमिट्स कैसे यूज करेंगे भाई बहुत बेसिक है चाहो तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो उसके बाद अप्लाई कर दो चाहो तो डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली कभी कर सकते हो कोई मसले की बात नहीं है कि भाई जो भी आपके पास यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन है वेरिएबल है जो भी आपके पास फंक्शन है उसके अंदर बारी बारी आपने एक दफा अपर लिमिट को डालना है एक दफा आपने डालना है लोअर लिमिट को सही है ना भाई प्लस का साइन इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे एक दफा अपर लिमिट को एक दफा लोअर लिमिट को अपर लिमिट टू है और लोअर लिमिट जीरो है तो प्लस का साइन यहाँ पेडेड एक दफा यही करेंगे कि टू माइनस का जीरो तो क्या बन गया देखो टू का स्क्वायर क्या होता है डिवाइडेड और जीरो का क्यूब चूंकि जीरो ही होता है तो इसलिए जीरो की जरूरत ही नहीं है तो यहाँ पे देखो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर के बराबर हो जाएगा और जीरो वाली टर्म को लिखने की जरूरत ही नहीं है जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही होगा ना ऑब्वियसली सी बात है और टू माइनस का जीरो यहाँ पे भी देखो टू ही आ गया इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो तो फोर प्लस टू क्या बन जाएगा फोर प्लस टू हमारे पास होता है बेटा सिक्स के बराबर है अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सिंपली यहाँ पे अब आप सिंपल तरीके

क्लियर है आ, भाई यहाँ तक कोई बात सर टू का क्यूब नहीं होगा अच्छा टू का क्यूब अच्छा वेरी गुड यार वेरी गुड एक्सैक्टली मैं यही सोचा था मैंने क्या भंड मार दिया वेरी गुड सही कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा पास आ, एक्स क्यूब था मैंने उसको स्क्वायर लेके चल गया सही है बिल्कुल सही कह रहे हो यहाँ पे क्यूब था आपके पास तो मेरा बेटा क्यूब का क्यूब लोगे टू का क्यूब क्या हो जाएगा एट के बराबर टू का क्यूब क्या हो जाएगा एट के बराबर नीचे थ्री का थ्री एज इट इज ओके प्लस के टू का स्क्वायर क्या हो गया थ्री फोर प्लस टू क्या होता है सिक्स के बराबर अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो क्या बन जाएगा नीचे थ्री का थ्री आ जाएगा एट वन जर एट इट इज और सिक्स थ्री जर क्या हो जाएगा हमारे पास एटीन के बराबर तो एटीन प्लस एट क्या हो जाएगा आपके पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग देखो अट्ठारह में अगर

हमसे कहा जाता है ई की पावर इनवर्स इनवर्स की पावर डिवाइडेड बाय टू प्लस का स्क्वायर का डीएक्स मेरा बेटा हम लोगों ने यहाँ पे टू का स्क्वायर बिल्कुल लिया है क्यों नहीं लिया बेटा टू का स्क्वायर लिया है ना फोर आ गया बेटा अगर इसको स्क्वायर कंसिडर कर रहे हो तो भाई ये लिमिट्स है तो आपने सिंपली लिमिट्स को अप्लाई किया है यहाँ पे सही है ना मेरा बच्चा ओके okay. अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टें क्वेश्चन भाई आप में से जो बच्चे समझते हैं ना कि शायद सिर्फ वेरिएबल वाले फंक्शन के ऊपर लिमिट आती है तो ऐसा नहीं है अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है इट अ वेरी इंपॉर्टें क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है इंटीग्रेशन लिमिट्स है वन एंड जीरो और फंक्शन क्या है ई e की पावर टेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्सक्वायटू डी एक्स, एक्स. आपसे कहा जाता है आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखो बहुत बेसिक चीज है सबसे पहले अभी आप लिमिट्स को भूल जाओ अभी आप सिंपल सोचो आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं अब अगेन डिविजन का तो कोई फॉर्म नहीं होता तो हम कैसे सोल्व करेंगे हमें दिख रहा है कि भैया ये नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है नेचुरल एक्सपोनेंट की पावर में जो फंक्शन है और से सोचिए क्या आ रहा है टेंजन इन्वर्स एक्स इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में फॉर्मुला क्या होता है बेटा ये होता है डिवाइडेड प्लस फंक्शन का स्क्वायर यानी कि आपको फंक्शन का बाय डेरिवेटिव गिवन है आपको फंक्शन का बाय डेरिवेटिव गिवन है इसका मतलब सिंपल तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं

इनवर्स एक्स के अंदर इनपुट कहां दोगे एक्स में दोगे ना मेरा बेटा अब देखो अप्लाई कैसे करवाओगे सिंपल लिमिट्स का फॉर्मूला लिमिट्स का फॉर्मूला क्या कहता है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट लोअर लिमिट का मतलब ये कि भाई जो भी आपका फंक्शन है उसके अंदर एक दफा आप लोअर लिमिट की वैल्यू डालोगे सही so, है ना इनवर्स एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू जीरो को आपने प्लॉट कर दिया तो भाई टेंजेंट इनवर्स वन किसके बराबर होता है बहुत दफा आपको बात बताई हुई है भाई टेंजेंट इनवर्स वन की वैल्यू किसके बराबर होती है मेरा बेटा हम लोगों ने ये चीज सीखी हुई है कि टेंजेंट इनवर्स वन इज बेसिकली इक्वल टू फोर्टी डिग्री टेंजेंट किसके किसके बराबर बराबर होता होता है है या फिर इसको हम लोग भी कहते हैं और सिंपल है? आपके पास जीरो ने गई बाई फोर के और टेंस जीरो की वैल्यू किसके बराबर होती है जीरो के. अच्छा भाई इसका आंसर कैसे निकालोगे देखो e की पावर पाई बाई फोर एज का रहेगा क्योंकि इसको अब आप सॉल्व नहीं कर सकते अलाउ नहीं है और कैलकुलेटर आपको अलाउ भी है तब करना पे लिए में वैल्यू तो सॉल्व नहीं करते है इसको यही आंसर होगा और ई e की पावर जीरो बेटा दुनिया में किसी भी ट्रंप की पावर में अगर जीरो हो तो इसका मतलब क्या होता है वन होता है दुनिया में किसी भी ट्रम्प की पावर में अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है वन के बराबर तो इस तरीके से हमारे

तक की बात क्लियर है किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल आपसे एक छोटी सी बात और कर देता हूँ लेट सपोज एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई इंटीग्रेशन पावर आपके पास लिमिट्स में आ रहा है पाए और जीरो और आपको फंक्शन फॉर एग्जाम्पल ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स तो भाई ये लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है हमसे कहा जाता है कि भाई आपने इसको सॉल्व करना है अब सॉल्व कैसे करना है आइए चेक कर लेते हैं अच्छा दो बच्चों का मेरे पास आंसर आया सर क्या इसको फर्दर सॉल्व नहीं करवाएंगे मेरा बेटा अगर आप नस्ट का पेपर दे रहे हैं अगर आप फास्ट uh, का पेपर दे रहे हैं तो बेटा कैसे सोल्व करवाओगे फर्दर ई e की वैल्यू होती है टू पॉइंट सेवन समथिंग पाबा फोर की वैल्यू कहां से निकालोगे डेसिमल uh, में वैल्यू होगी तो आप चूंकि डेसिमल में लिख नहीं सकते इसलिए आपका पाई यहीं आंसर होगा क्योंकि बगैर कैलकुलेटर आप इसको सोल्व नहीं कर सकते फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड नंबर के ऊपर एक और बच्चे ने पूछा सर पाबा फोर की जगह फोर्टी फाइव डिग्री क्यों लिखा

क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो भाई आपको गिवन है कोई मसले की बात नहीं है भाई इंटीग्रेशन में कभी लिमिट्स आ जाए

तो e की पावर जीरो का मतलब क्या है वन आ गया इस की पावर का मतलब क्या है आ गया क्योंकि दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में इस तरीके से होगा जीरो के बराबर होगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई अभी सारी चीज हम सीखेंगे अभी फिलहाल आपने लिमिट्स के पे फोकस करना है लिमिट्स का रहे हैं फिलहाल आप उस चीज के ऊपर रहिए लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि कभी भी अगर आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट्स आ रही हो तो पहले आपने इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है फिर सिंपल तरीके से हम लिमिट्स को अप्लाई करवाते हैं लिमिट्स को फिर यूटिलाइज करवाते हैं इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ला होता है अच्छा फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जरा बात को समझिएगा बात थोड़ी सी डिफरेंट करूंगा अब मैं आपको और एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहता हूँ लेट सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन वन और जीरो की लिमिट्स हैं और आपको क्वेश्चन ने फॉर एग्जाम्पल वन प्लस का एक्स स्क् इंटू डी एक्स मैं आपसे कहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करोगे मेरा बेटा एनी वन ऑफ यू हु कैन सोल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एनी वन की भाई अगर आपको आपसे मैं कहता हूं कि हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे जल्दी जरा सोच के बताइए ओके okay. तो भाई देखो इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है अगेन बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन वन और जीरो की लिमिट्स के साथ वन डिवाइडेड बाय प्लस एक्स स्क्वायर

पढ़ तभी तो सबसे आखिर में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में कोई मुश्किल चीज नहीं है आपने सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेशन को पहले अप्लाई करवाना है तो भाई देखो यहाँ पे चूंकि आपका ए वन के बराबर है और x आपका x ही है सिंपल तरीके से अप्लाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा भैया हमारे पास सिंपली आंसर

साइन और एक दफा आपने क्या रखनी है लोअर लिमिट की वैल्यू

लिमिट्स को अप्लाई कर दोगे लिमिट्स को ब्रैकेट के बाहर अप्लाई कर दिया वेल well गुड अब लिमिट्स को यूज करना है अब लिमिट्स को अप्लाई करवाना है लिमिट्स को अप्लाई कैसे करवाएंगे बहुत बेसिक चीज है मेरा बेटा कैसे अप्लाई करवाएंगे लिमिट्स को देखो मेरा बेटा सिंपल तरीके से एक दफा आपने अपने फंक्शन में रखना है अपर लिमिट को माइनस का साइन फिर एक दफा उसी फंक्शन में रखना है लोअर लिमिट को तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा sin इनवर्स 1 माइनस का sin इनवर्स 0 sin इनवर्स 0 तो भाई साइन इनवर्स वन किसके बराबर होता है अच्छा साइन इनवर्स वन देखो साइन नाइनटी की वैल्यू बराबर होती है मेरा बेटा के तो साइन इनवर्स वन किसके बराबर होता है नाइनटी डिग्री के या फिर डिग्री को मैथ्स में अच्छी में क्या कहते हैं पाई डिवाइडेड बाय भी कहते हैं बराबर होता है किसके वन के साइन इनवर्स वन बराबर होता है नाइन्टी डिग्री के और नाइन्टी डिग्री का एक और नाम क्या होता है पाई बाय टू भी होता है तो मैं साइन इनवर्स वन की जगह पे हम क्या रख सकते हैं पाई बाय टू और साइन इनवर्स जीरो बराबर होता है मेरा बेटा साइन जीरो की वैल्यू होती है, जीरो, तो इन्वर्स जीरो किसके बराबर बराबर होता होता है होता है है सिंपल के तो क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा पाई डिवाइडेड अब मुझे बताइए तक तक की बात सबको क्लियर होती किसी बच्चे को कोई मसला कोई पर... को तो आइए फॉर लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले आपने सोचना है मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ ये क्वेश्चन पेपर में नस्ट के अंदर बहुत आया ये क्वेश्चन एलईडी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन आपको फास्ट के अंदर भी मिलेगा ये क्वेश्चन आपको आई बी एस एस साइड पे भी मिलेगा क्वेश्चन कह रहे हैं इंटीग्रेशन पाई बाई टू जीरो आगे मैं आपसे मासूमियत से कहता हूँ कि भैया यहाँ पे है कॉस्ट क्यूब एक्स इन टू पावर फोर एक्स इन टू डी एक्स तमाम बच्चे जल्दी से सोचें क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और सॉल्व करने की कोशिश करें और मुझे आंसर बताएं जल्दी से शाबाश ओके okay भाई जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हो सका जरा मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शॉर्टकट भी है और एक इसका ओरिजिनल मेथड है ओरिजिनल मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जो ओरिजिनल मेथड है उस ओरिजिनल मेथड पे अगर आप सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको ब्रेकडाउन करेंगे ब्रेकडाउन कैसे करेंगे फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन की पावर फोर एक्स गेवन है तो आप इसको नॉर्मली सिंपल वे में सोल्व करने के ऊपर जाओगे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज क्या तरीके का क्या कॉस क्यूब को पहले ब्रेक करते हो, को अब लेट ब्रेक करते हो के अंदर, सही है ना भाई उसके बाद का का। वो क्या बन जाएगा आपके पास वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा उसको अप्लाई करवाओगे तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाओगे यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास सिंपली वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और बाहर क्या मौजूद था बाहर मौजूद है कॉस एक्स इंटू साइन की पावर फोर एक्स कैसे कर में कर भा कि भाई एक्स पहले जाके इससे मल्टीप्लाई होगा से, से, तो, क्या बन जाएगा? एक्स से तो यह बन जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन की पावर सिक्स एक्स अब आप फाइनली दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे भा तो भाई जब इस टर्म पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो देखो साइन के ऊपर पावर आ रही है साइन का डेरिवेटिव मौजूद है कॉफ

सिंपल वे में सॉल्व करोगे जो भी आपको लगती है टर्म है छोटी टर्म है आपने उसको ब्रेक करवा देना कर और साइन की पावर फोर एक्स स्क्वायर को फर्दर आपने ब्रेक कर दिया थ्योरम के ऊपर तो क्या बन जाएगा वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्स इंटू कॉस एक्स, एक्स साइन की पावर फोर एक्स बाहर वाली टर्म्स अंदर के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगी तो ऑब्वियसली एक दफा ही जाएगा cos x साइन uh, की पावर फोर जब इससे वन से मल्टीप्लाई uh, होगा तो क्या हो जाएगा, की 6 बन जाएगा. फिर आपने इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाना है मेथड होता है ये ओरिजिनल मेथड है इसी क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा आता है तो हमेशा याद रखियेगा इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है ओरिजिनल मेथड मैंने आपको समझा दिया है ये मैं आप लोगों से होमवर्क के तौर पर डिमांड करता हूँ खुदा सारा ओरिजिनल मेथड पे आपने सॉल्यूशन शो करना है मुझे इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई कभी भी अगर आपके पास अब आप जरा बात को समझिएगा शॉर्ट ट्रिक किस चीज की है कभी भी अगर आपके पास पावर अल्टरनेट गिवेन हो अगर कभी भी आपके पास क्या हो पावर अल्टरनेट हो और आपके पास एक एवेन हो एक ऑर्ड हो फॉर एग्जाम्पल एक आपको क्या गिवेन हो एक एवेन गिवेन हो एक ऑर्ड गिवेन हो यानी कि कभी भी साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनपे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है और पावर कैसी है अल्टरनेट अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक वाली एक के बाद एक वाली पहली चीज दूसरे नंबर के ऊपर एक और खास बात और वो खास बात क्या है कि भैया आपके पास जो लिमिट्स हो वो लिमिट्स हमेशा पाई बाई टू और जीरो की होनी चाहिए लिमिट हमेशा पाई बाय टू की और जीरो की होनी चाहिए ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये इसी कंडीशन पे अप्लाई होगी पहले बता रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ

एडमिन पावर होगी उसका उसके करीब तरीन ऑर्ड नंबर लिखना है पहले का छोड़ दो करीब तरीन समझो कि भाई जो भी ऑर्ड पावर होगी उसके करीब तरीन का इवन नंबर लिखना है जो भी इवन पावर है उसके करीब तरीन का ऑर्ड नंबर लिखना है और तीसरी पॉइंट क्या है या तीसरा पॉइंट क्या है और फिर सिंपल तरीके से आपने पावर्स को एड करके पावर्स को एड करके

आपको क्या क्वेवेन है भैया कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन की पावर फोर एक्स इंटू डी एक्स आपको ये क्वेश्चन है अब देखो सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी सबसे पहले आपने चेक कर लिया क्या भाई लिमिट्स आपके पास और जीरो ही आ रही है, आ रही है. क्या कॉस और साइन ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है क्या दोनों की पावर्स अल्टरनेट है यानी कि एक के अंदर पावर इवन है एक में ऑर्ड है या एक में ऑर्ड है एक में इवन है, 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 है तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है शॉर्ट ट्रिक कहती है सबसे पहले नंबर के ऊपर या जो भी आपके पास ऑर्ड पावर आ रही है देखो यहाँ पे पावर कैसी है थ्री थ्री पावर कैसी पावर उसके करीब तरीन आपके पास इवन नंबर कौन सा है अगर मैं आपसे बोलूं कि तो गया मल्टीप्लाई करवा दू अगली पावर कौन सी है फोर फोर कैसी है इवन पावर इवन पावर के करीब तरीन ऑड नंबर क्या होगा देखो पहला पॉइंट क्या कहता है जो भी ऑड पावर होगी उसके करीब तरीन वाला इवन नंबर तो थ्री के करीब तरीन एवन नंबर क्या होगा टू होगा और इवन पावर करीब तरीन ऑड नंबर तो इवन पावर क्या है फोर फोर के करीब तरीन ऑड नंबर कौन सा होगा थ्री होगा लिख दिया यहां तक की बात क्लियर हो गई वेरी गुड

क्या वन होता है और नीचे सेवन से पहले का और नंबर क्या होगा सेवन से पहले एक और नंबर आएगा फाइव और दूसरा ऑड नंबर क्या आएगा मेरे पास थ्री और एक और, और नंबर क्या आएगा वन तो जो भी ऑर्ड नंबर मेरे पास ऊपर है और नीचे है उनसे पहले के ऑर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है क्लियर है भाई यहां तक की बात अच्छा अब देखो आंसर फॉरन से आ जाएगा कि इस थ्री से देखो थ्री कट जाएगा वन से वन कट गया और क्या बन जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा टू डिवाइडेड बाई सेवन फाइव थर्टी फाइव ये फाइनल आंसर आ गया विद इन सेकंड के अंदर अगर ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करोगे ना तो कम से कम पांच से छह मिनट लगेंगे और इस मेथड के ऊपर विद इन टू मिनट्स में आ जाएगा अभी टेंशन नहीं लेनी एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी अपने दिमाग को जो है ना यूज करने की अभी उसमें जंगी रहने दो क्योंकि अभी परेशान हो जाओगी लेट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपसे कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल साइन की पावर फाइव एक्स है कॉस की पावर आ रही है 4x into dx का dx मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है देखो ओरिजिनल मेथड पे सॉल्व करने के ऊपर जाओगे अगेन वही बेसिक मेथड है कि भाई पहले आप सिंपल तरीके से और पावर को ब्रेक करते हो स्क्वायर के फॉर्म पे सिंपल फॉर्म पे देन फिर आप पाइथागोरस थ्योरम ब्ला 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 लॉन्ग मेथड इज देयर 10 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में एप्टीट्यूड के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स का काम है देखो शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई सिंपल तरीके सब से सबसे पहले गुड तो होगा? होगा, दूसरा की बात कर रहा हूं तो नंबर फोर के करीब कौन सा होता है या तो टू होता है या फिर सॉरी फोर के करीब नंबर सॉरी एम सो सॉरी फोर के करीब तरीन का आपको ऑड नंबर कौन सा मिलेगा अगर आप फोर आपको इवन नंबर करीब नेरीन का आपको

कहते हो कि नहीं सर फाइव नहीं लेते हम तो सर थ्री के ऊपर ही रखते हैं तो वो भी आपका मेथड सही कहलाएगा आप उसको भी कर सकते हो उसमें भी जरा चेक कर लेते हैं क्या बनेगा लेट सपोज हमने यहाँ पे फोर लिया हमने यहाँ पे थ्री ले लिया फिर ये वन हो गया नीचे क्या है नाइन नाइन के टेबल्स के ऊपर चले जाएंगे थ्री कट जाएगा वन से वन कट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा फोर का फोर नीचे क्या हो जाएगा सेवन नाइन सिक्सटी थ्री इंटू फाइव फाइव क्या बन जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तीन सौ पंद्रह के करीब शायद बनेगा बट चेक कर लेते हैं क्या बन जाएगा भैया और वन सिक्स फाइव क्या हो गया आपके पास थर्टी और एक कैरी तो क्या बन गया थ्री हंड्रेड फाइव जर आपके पास क्या हो गया थर्टी और वन थर्टी वन हो गया थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन बन गया

क्वेश्चन आ रहा है साइन की पावर सिक्स इंटू एक्स और एक आपके पास आ गया लेट सपोज कॉस की पावर फाइव एक्स इंटू डी अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे अब जरा दो मिनट सोचिएगा और खुद से सॉल्व करने की ट्राई करिएगा मैं तमाम बच्चों को टाइम दे रहा हूँ तमाम के तमाम स्टूडेंट्स एक दफा खुद से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे तमाम शुर्ण्स. Okay, now coming back to the point. हमारे पास जो जो एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन है, है। वो सिंपल सा भाई जो last के अंदर मैंने भी पढ़ाई अगेन शॉर्ट ट्रिक्स आर जस्ट दी टाइम किलर आपको हेल्प करेंगी सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर में एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए बट रिमेंबर दिस थिंग आपको ओरिजिनल मेथड आना चाहिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स कैन बी रॉन्ग समटाइम कुछ शॉर्टेज ऐसी होती है दे कैन बी रॉन्ग समटा बट उसका एक बेसिक पर्पस ये होता है कि वो 90% परसेंट क्वेश्चन फेल नहीं होंगी 99 पे फेल नहीं होंगी हो, एक आते फेल हो सकती है तो इसीलिए मैंने आपको ओरिजिनल मेथड भी बता दिया और एक शॉर्टेज वाली चीज भी बता दी आई होप वो चीज क्लियर होगी नहीं तो एटलीस्ट आपको ओरिजिनल मेथड लाजमी होना चाहिए ओरिजिनल मेथड इज समथिंग जो आपको हमेशा सही आंसर ही देगा एक ही आंसर देगा जो उसका परफेक्ट आंसर होगा अच्छा हमने जितनी भी अभी तक बात करी वो लिमिट्स रिलेटेड करी थी और मैंने एरिया अंडर दी कर्व के टॉपिक को थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को आ जाए फिर हम एरिया अंडर दी कर्व की बात तो कंटिन्यू कर सकें अब देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नस्ट के अंदर बहुत आया और ऐसे क्वेश्चन फास्ट में भी बहुत आते हैं आईबी में भी बहुत आते हैं यूईटी लाहौर में भी बहुत आते हैं प्याज में भी बहुत आते हैं क्या आप कोई कर्व है और आपसे कह रहे हैं फाइंड दी कर्व ए प्लस बी कहते हैं कर्व की ए प्लस बी की वैल्यू निकालो अगर वाई की वैल्यू गिवन है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ मगर ये बात एक अच्छा बच्चा ही पहचान सकता है कि भाई देखो आपको अगर एक इक्वेशन गिवन है ना तो जाहिर सी बात है कर्व की इक्वेशन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है ए प्लस बी तक का कर्व निकालो यानी कि मुझे कहां तक का कर्व निकालना है ए प्लस बी तक का तो देखो यहां पे एग्जामिनर बड़ा स्याणा है एग्जामिनर बड़ा स्याणा है कि उसने आपको लिमिट्स नहीं दी उसने आपको

सिंपल तो तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दोगे क्या बन गया फोर एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स ए की वैल्यू क्या वन बी की वैल्यू क्या थ्री कर लोगे बेटा क्या बन जाएगा फोर पहले आ गया एक्स की पावर नेगेटिव टू और यहाँ पे क्या कर है? आपको uh, है थ्री और वन सिंपल तरीके से भैया इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई करी नहीं है आई एम सो सॉरी पहले इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन को यहाँ पे आप लोगों ने क्या करवा देना सिंपल तरीके से अप्लाई करवा दूंगी अब इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई हो जाएगी मेरा बेटा की की पावर इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स की पावर ऊपर भी लिखा जाएगा नीचे भी लिखा जाएगा सही है ना भाई तो सिंपल तरीके से क्या बन गया लिमिट्स आपकी थ्री और वन एरिटेज रहेंगी अब आप फाइनली अपनी लिमिट्स को यूज करवा दोगे तो क्या बन जाएंगी लिमिट्स हमारी ये हो जाएगा एक दफा वन डिवाइडेड बाई थ्री एक दफा हो जाएगा वन का वन और सिंपल तरीके से आपके पास ये हमारा इसको सिंपलीफाई करने पे आंसर आप जाएगा भाई अब ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी कैसे कि भाई देखो आपको यहां पे जो

वो भी वही कहलाता है या आप सिंपल वन डिवाइड बाई वन लिख दो बात एक ही होगी अब आप यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो मेरा बेटा सिंपल तरीके से अब आप इसको सिंपलीफाई कर देंगे फर्दर फर्दर सिंपलीफाई कैसे करेंगे भैया सिंपल तरीके से नेगेटिव फोर का नेगेटिव फोर बाहर एज रहेगा यहाँ पे आप एल्सियम ले लो थ्री वन जर थ्री एज इट इज वन का वन तो नेगेटिव का थ्री वन जर थ्री हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा नेगेटिव का फोर वन माइनस इज नेगेटिव डिवाइडेड बाई थ्री तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा फोर टू जर डिवाइडेड बाई थ्री फाइनली इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर

भाई भाई सिंपल चीज चीज है, है कैसे सॉल्व करोगे? बेसिक है यार मेरा बेटा अब तो। अब तो, आपसे अगर कह रहे एरिया अंडर दी कर्व निकालना है, तो आपको एरिया अंडर दी कर्व का फॉर्मूला केवे मैंने, आपको मालूम है क्या होता है क्या फॉर्मूला है चीजों को पुट कर दो बी की वैल्यू क्या पाई बाई थ्री

का dx एज इट इज थ्री का थ्री यहां पे एज इट इज अब आप सिंपल तरीके से इसको अप्लाई करवा दो आंसर आ जाएगा क्या मसले की बात है भाई साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है नेगेटिव का कॉस एक्स होती है और यहां पे आपके जो भी लिमिट्स होंगी वो आपके पास ब्रैकेट के बाहर अप्लाई हो जाएंगी तो बेसिकली ये क्या बन गया थ्री इंटू नेगेटिव का नहीं है तो क्या होगा negative 1 है ना तो क्या है बन एक एक, जाएगा अब आप लिमिट्स को अप्लाई करवा दो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कैसे सोल्व हो जाएगा भाई लिमिट्स को कैसे अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भाई कॉस सिक्सटी की वैल्यू किसके बराबर होती है देखो ये एंगल्स वाली कहानी मैंने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको पढ़ाई हुई है कॉस 60 क्या होगा आपके पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे पास प्लस के हाफ के बराबर होगा और हमारे पास सिंपल तरीके से कॉस जीरो किसके बराबर होता है बेटा कॉस जीरो बराबर होता है वन के क्योंकि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कॉस जीरो की होती है साइन नाइनटी इज पॉजिटिव वन तो कॉस जीरो बराबर होता है वन के बराबर होता है सिंप्लीफाई करोगे हाफ में से जब नेगेटिव वन निकालोगे तो बेटा नेगेटिव का हाफ बचेगा और बाहर माइनस का थ्रीडेस का थ्री डिड बाई टीफाई करना आंसर तो तो आ गया कोई मसले की बात नहीं है देखो बेसिक चीज है सिंपल वे में आप आंसर को इजिली फाइंड कर सकते हो कोई मुश्किल बात नहीं है बहुत सिंपल तरीके है सिंपल कॉन्सेप्ट इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास

इसको भी अगर मैं ही करवाऊंगा तो क्या फायदा कि भाई सपोज आपसे कहा जा रहा है एरिया अंडर दी कर्व निकालो और आपको इक्वेशन गिवन है आपको इक्वेशन गिवन है वाई इज इक्वल टू कॉस्ट थ्री एक्स आपको इक्वेशन क्या गिवन है वाई इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स और आपसे कहा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू है पाए बाय सिक्स टू एक्स इज इक्वल टू पाए बाय थ्री आपको ये एक स्टेटमेंट है आपसे कह रहे हैं फाइंड फाइन एरिया अंडर कर्व और आपको इक्वेशन गेवे ने वाईल टू कॉस थ्री आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो वैल्यूज आ रही वो ये आ रही है तो भाई सिंपल वे में इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर आपको ये लिमिट है एक लिमिट है आपको पा बायस एक गेम को पाई बाय थ्री पाए बाय सिक्स इसके बराबर होता है सिक्सटी डिग्री के पाई बाय थ्री किसके बराबर होता है थर्टी डिग्री के ये आपको फाइनली आपको क्वेश्चन गेवे है सिंपल तरीके से सोल्व करवाओगे आंसर आ जाएगा मुझे बताओ मेरा बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम की बात बात है। ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं बहुत सिंपल सिंपल से हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो भाई जो इंटीग्रेशन का एक छोटा सा पोर्शन हमारा रहता था वो मेनली हमारा लिमिट्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी हमारी किसकी थी लिमिट्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी और इसके अंदर हमारा कोई भी वो मुश्किल चीज नहीं थी अच्छा صدیقی मेरा बेटे इसमें क्या इशू आ रहा है Uh, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरा बेटा सिंपल तरीके से आपने कुछ भी नहीं करा आपने सिंपल लिमिट्स को अप्लाई किया मेरा बेटा जो चीज अभी तक हम सीखते भी आ रहे हैं खाली हमने उसको यूटिलाइज करा है हमने इसमें कोई मुश्किल काम नहीं करा सिंपल हम लोगों ने लिमिट्स को अप्लाई किया है और लिमिट्स के यही क्वेश्चन थे जिनकी वजह से मैंने टेस्ट के अंदर अभी कोशिश करी कि लिमिट्स वाले क्वेश्चन आपको ना दिए जाए नेक्स्ट टेस्ट के अंदर ही भरा हुआ होगा टेस्ट में पहले बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये लिमिट्स वाली चीज पढ़ा दी है नेक्स्ट टेस्ट के अंदर बहुत आएंगी अच्छा इसी तरीके से हमारे पास एक और टॉपिक होता है और ये टॉपिक भी बहुत छोटा सा टॉपिक है थ्योरेटिकल टॉपिक भी इसको कहते हैं मगर है बड़े मजे

माइनस के थ्री एक्स प्लस के और आपसे कहा जाएगा इफ इज इक्वल टू जीरो होगा आपसे कहा जाएगा फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे सिंपल ही बात की जाएगी फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ वाई इज इक्वल टू जीरोक्वल टू वन आपको ये वाली बात करके एग्जामिनर बोलेगा कि भैया बताओ सॉल्व करना है अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है इस टॉपिक का नाम क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा हो भी एग्जिस्ट कर रहा हो ऐसी इक्वेशन को मैथ्स में कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन तो भाई ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डीवाई भी एग्जिस्ट करे डी एक्स भी एग्जिस्ट करे क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं अब आपके पास ये स्टेटमेंट मौजूद है क्वेश्चन मौजूद है आपसे एग्जामिनर कहता है कि भैया फाइंड दी वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अब इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा इस क्वेश्चन का मतलब ये कि आपको सी वैल्यू

के बराबर होगा अगर सिंपल इंटीग्रेशन डी जेड पे अप्लाई हो रही है कुछ भी नहीं है तो वन है और वन इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे जिस के से कर आ जाते सारी देखो मैंने पढ़ाई है छोटी छोटी बातें तभी अब मैं आपको के सारी छोटी बातें बता रहा हूँ देखो सिंपल वाई आ गया यहाँ पे इंटीग्रेशन बारी बारी तमाम टर्म्स पे अप्लाई कर दोगे अब देखो यहाँ पे लिमिट्स नहीं आ रही इसलिए सी लिखा जाएगा तो टू एक्स स्क्शन क्योंकि इंटीग्रेशन आ गई है तो क्या बन जाएगा टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री

तमाम की तमाम वैल्यूज को इंटीग्रेट करवा दिया यहां तक तो आपने सिंपल सा काम करा कोई मसले की बात नहीं यहां तक यहां तक क्या काम करा भाई एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे किया सिंपली इंटीग्रेशन को अप्लाई किया इंटीग्रेशन को सॉल्व करवा लिया अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर अगर वैल्यूज गिवन है अगर आपको के अंदर क्या है? है. तो करना कुछ भी नहीं है आपने सिंपल जो वैल्यूज आ रही है उस प्लॉट करवा दो देखो वाई में वाई की वैल्यू जीरो जहां एक्स आ रहा है वहां एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा वन तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां एक्स की वैल्यू आपने पुट करवा दी वन

Uh, भाई सिंपल तरीके से आपने इंटीग्रेशन को यहाँ पे अप्लाई किया ना मेरा बेटा ये सिंपल आपने इंटीग्रेशन को अप्लाई किया टू एक्सक्वायर के ऊपर बेटा अगर आपने पहली बार लेक्चर ले रहे हो इंटीग्रेशन का तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी मेरा बेटा अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया हुआ है तब तो बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो मेरा बेटा भाई की इंटीग्रेशन क्या होगी सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन क्योंकि थ्री एक्सक्वायर डिवाइड बाई टू भाई एक्स को मैं पावर अप्लाई कर रहा करू ना फाइव की इंटीग्रेशन क्या होगी सिंपली फाइव एक्स हो जाएगा जब इंटीग्रेशन तमाम टर्म्स से अप्लाई करवा दी तो सिंपल तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का सी आ जाएगा मेरा बेटा क्या आ जाएगा प्लस का सी अब हमने कुछ भी नहीं करा अब चूंकि हमें क्वेश्चन के अंदर देखो वाई और एक्स की वैल्यूज गेवन है हमें क्वेश्चन में वाई और एक्स की वैल्यूज गेवन होती है तो हमने क्या करना है जो हमारे पास आंसर आया ना इसमें जहां जहां वाई आ रहा है वहां वाई की वैल्यू पुट करें जहां एक्स आ रहा है वहां एक्स की वैल्यू पुट कर करें सिंपल तरीके तो से बेसिक मैथ्स है थ्री टूर नीचे सिक्स बन गया टू टू जर फोर बन जाएगा और थ्री थ्री क्या बन गया आपके पास नाइन बन जाएगा प्लस का फाइव इज प्लस का सी इज अच्छा भाई चार में से अगर आप नौ निकाल दो तो बेटा क्या बनेगा चार में से अगर आप नौ निकालोगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा भैया नेगेटिव का फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस का फाइव इज प्लस का सी है ना भाई भाई नौ में से अगर आप चार को माइनस करोगे तो क्या बनता है पांच बनता है अब देखो फर्दर इनके नीचे आप एलसीएम ले लो भाई फाइव के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन मौजूद कैलकुलेटर तो अलाव नहीं है ना मेरा बेटा इतनी तो अयाशी नहीं हो रही कैलकुलेटर अलाव होगा तो आपने सिंपल तरीके से बेसिक वे में भी सोल्व करना अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं नीचे वाले टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई ये वन जाके नेगेटिव फाइव से मल्टीप्लाई हो तो का ये क्या हो जाएगा सिक्स फाइव थर्टी के बराबर होता है प्लस का सी है तो नेगेटिव का फाइव प्लस का थर्टी क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव का फाइव प्लस का थर्टी सिंपल तरीके से क्या आंसर देगा आपको ये आंसर देगा प्लस का ट्वेंटी फाइव क्या दे देगा प्लस का ट्वेंटी फाइव नीचे सिक्स का सिक्स एज इट इज प्लस का सी अब अगर आपको सी की वैल्यू चाहिए तो भाई प्लस के ट्वेंटी तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा जाएगा का 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 ये आ आ नेगेटिव डिवाइडेड तो आपके पास आंसर क्या गया नेगेटिव का डिवाइडेड इस तरीके से फाइनली आपके पास सी की वैल्यू आ गई सी की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव का ट्वेंटी डिवाइडेड बाई स बहुत दफा ये क्वेश्चन दो तरीकों से पेपर में आता है मैं भी और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है देखो एक तरीका ये होता है सिंपल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी

करवाने ये इंटीग्रेशन अप्लाई करवाने पे आपका जो भी आंसर आ रहा था इसके अंदर आप अपनी सी की वैल्यू को प्लॉट कर दो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि भाई अगर मुझसे आंसर्स के अंदर इक्वेशन गे हुए तो उसके अंदर उस तरीके का क्या होता है इक्वेशंस के फॉर्म में लिखने का कि भाई जो भी सी की वैल्यू आ रही है सी में प्लॉट कर दोगे तो भाई क्या बन गया ये बन जाएगा वाई इज इक्वल का थ्री एक्स का फाइव का फाइव और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव का ट्वेंटी फाइव तो ये फाइनली आपने अपनी पूरी की पूरी इंटीग्रेट करवा के इक्वेशन को सॉल्व

इक्वल टू के बाद मौजूद है एक्स प्लस का साइन एक्स एक्स प्लस का साइन एक्स और आपको कहा जाता है कि भैया आपसे कहा जा रहा है कि वाई की वैल्यू बराबर है किसके अः लेट सपोज थ्री के इंटू जीरो

भाई सबसे पहले एक जैसी को एक साइड पे कर दोगे तो एक जैसी टर्म्स कौन सी है आपके पास डीवाई वाली ट्रम्प इधर ही रहने दो ये डीएक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन गया ये बन जाएगा एक्स प्लस का साइन एक्स एन टू डी एक्स का डीएक्स सही है आपने सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करवानी है तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन डीवाई

साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मुला इट इज नेगेटिव का कॉस एक्स और ये आपने जब इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दी तो प्लस का सी आ जाएगा तो इसको आपने अपनी इक्वेशन नंबर ए कह दोगे बहुत दफा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका यही आंसर होगा अगर तो आपको एक्स वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं गिवन तो आपका यही आंसर कंसिडर होगा ये आपका फाइनल आंसर आ गया सपोज लेट सपोज ये आपका फाइनल आंसर है अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं गिवेन होती अब देखो इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज गिवेन है मगर आप बोलोगे सर ये क्या अजीब आप चीज आपने बना के दे दी हमने तो कहा था सर आसान चीज दिखाएंगे तो बेटा आसान चीज मेरी यही होगी ना मेरे बेटे एक नई तरह का देना चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट की भी नुआ हो जाए कि भाई बहुत दफा इस तरह की आपको वैल्यू गेवन होगी अब बच्चा बोलेगा सर ये क्या चीज है भाई देखो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये कि आपको y का वेरिएबल गिवन है तो y की वैल्यू तो थ्री के बराबर है और जो y के साथ इस तरह की वैल्यू जाएंगी वाई इंटू वन इक्वल टू के बाद पाए या फिर आपको ऐसी गिवन होगी x इंटू फोर इक्वल टू सेवन तो भाई इनको पढ़ने का तरीका समझिए इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि इस वाली स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू पाए गेविन है और एक्स की वैल्यू जो

कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो कि जो भी आपको वैल्यूज गिवन होंगी एक्स और वाई की अब आपको इक्वेशन कैसे बनानी है देखो आपने जो भी अपनी इक्वेशन ए फॉर्म करी ना इसमें जहां पे सी आ रहा है वहां पे सिंपल सी की वैल्यू डाल दो कि आपका इक्वेशन की फॉर्म में आंसर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स और सी की जगह पे सी की वैल्यू जो कि किसके बराबर है फोर के तो भी एक आंसर हो सकता है हमारे पास डिपेंड करता है अगेन ऑप्शंस का गिवन होंगे क्लियर है मेरा प्यारा बेटा डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्यों होंगे सर डीएक्स को दूसरी तरफ क्यों भेज रहे हैं देखिए ना डी यहाँ पे डीएक्स का मतलब तो होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरा बेटा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है वेरी गुड मेरा बेटा जिसने ये बात कही है वेरी गुड मेरा प्यारा बच्चा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है मगर अल्लाह के बंदे यहाँ पे आप डेरिवेटिव तो अप्लाई नहीं कर रहे ना एग्जामिनर अगर डेरिवेटिव अप्लाई करने को कहता तो आपसे कहता ना कि भाई डेरिवेटिव अप्लाई करो यहाँ पे तो एग्जामिनर तुमसे कह रहे हैं कि भैया इसको इंटीग्रेट करवाओ या फिर एग्जामिनर कुछ भी नहीं कहेगा एग्जामिनर कहेगा सोल्व दी फॉरन डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन का पार्ट है इंटीग्रेशन के अंदर अब मुझे अगर इसको सोल्व भी करना है लेट सपोज डेरिवेटिव भी सोल्व करना है तो जब तक एग्जामिनर

लेट सपोज ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन पेपर का वही फेमस क्वेश्चन है फेमस क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं ना कि बेहतरीन क्वेश्चन का होना उनमें से एक क्वेश्चन है सही है ना मैं यहाँ पे टी की वैल्यूज भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको खुद से बैठ के ऑल दो सोल्व करोगे टी की वैल्यूज में लिख देता हूँ एक वन और एक लिख देता हूँ टू के बराबर अब देखो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना ये क्लास का निचोड़ है बस अपनी बात का इख्त करूंगा इस एक छोटे से जुमले के ऊपर कि बेटा देखो ये जो क्वेश्चन है बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा दो तरीकों से आ सकता है आपसे कहेगा एक्सामनर सोल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तो एग्जामिनर कह रहे थे सोल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इट सिंपली मीन्स की आपको फाइनली इक्वेशन तक का सोलूशन शो करना है यानी कि सी की वैल्यू इक्वेशन में डाल के शो करनी है और अगर एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि भैया बताओ सी की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट फाइंड दी कॉन्स्टेंट उसके ऊपर आप सिंपल तरीके से सी की वैल्यू तो छोड़ सकते हो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे अब आपकी बात का जवाब आयशा मोहसिन आपने उससे बेटा पूछा एक जुमला कि सर हम एक जैसे वेरिएबल्स को एक साइड पर शिफ्ट कैसे करते हैं अभी तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बड़े सिंपल थे अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई यहाँ पे देखो आपको दो वेरियबल्स गेवे सबसे पहले वेरिएबल्स देखो एक गेवे है एस एक गेवे है टी यहाँ पे भी देखो आपके पास दो तरह के वेरिएबल्स आ रहे हैं तो आपने क्या करना है एक जैसे वेरिएबल्स को एक साइड पर शिफ्ट कर दो अब देखो डीएस का डीएस यहाँ पे ये जो एस स्क्वायर है ये टी के साथ फिट नहीं होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू के इस तरफ क्या बचा टी इंटू रूट के अंदर वन प्लस का

नहीं आपको अब आप डेरिवेटिव कैसे लोगे फॉर एग्जांपल अगर आप में कोई बच्चा कहता है कि सर यहाँ पर डेरिवेटिव क्यों नहीं ले सकते तो भाई अगर तो एग्जामिनर आपसे कहता है ना कि डेरिवेटिव लो

जाएगा डीएस का डीएस एज इट इज फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे भाई अंडर रूट को अगर मैं रिमूव कर दूं तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर की होल पावर में हाफ क्योंकि अंडर रूट किसके बराबर होता है पावर हाफ के बराबर होता है अब आप फाइनली इसको सोल्व करवा लीजिए खुदारा कोई मसले की बात नहीं है मेरा बेटा बहुत सिंपल चीज सोल्व कर सकते हो तो कैसे भैया देखो

पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके आओगे हो, कर हो, कर हो। ना तो इसका मतलब मेरी इतनी मेहनत की इतनी मेरा गला सुखाने की कोई फायदा नहीं हुआ इसका मतलब ये होगा अब आप सिंपल डेरीवेटिव अप्लाई कर दोगे सॉरी इंटीग्रेशन अप्लाई कर कंप्लीट हो गया तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा वन प्लस टी स्क्टर हाफ प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री डिवाइडेड बाई टू ऊपर भी लिखा जाएगा मेरा बेटा नीचे भी लिखा जाएगा प्लस के सी के साथ आंसर आ गया अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा दो तो क्या बन जाएगा भैया ये ये हो जाएगा, S, ये हो जाएगा जाएगा नेगेटिव का डिवाइडेड बाय और इस से ऑब्वियसली क्या कैंसिल आउट अच्छा आप बोलते हो सर नहीं होगा ऑब्वियसली नहीं होगा सॉरी सॉरी तो जब थ्री डिवाइड बाई टू नीचे से ऊपर जाएगा तो की फॉर्म में जाएगा बल्कि हो जाएगा सही है ये क्या हो जाएगा इस टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे वन बाय थ्री बचेगा और ब्रैकेट में क्या बचा वन प्लस टी स्क्वायर की होल पावर में थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस का सी

अब्दुल बहा मेरा बेटा कोई मसले की बात नहीं है मारो आपको सभी लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगी तो जो लेक्तर ले so. तो एक, 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 तो है बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर बच्चे उसमें फंसते हैं इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उसे पढ़ा दू मैं मेरी ये कोशिश होती है मैं उस चीज को लाजमी पढ़ा दूँ तो ताकि मेरी तरफ से वो एक नाकामी ना रहे किसी बच्चे के लिए तो भाई देखो मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाया दिया आई एम सो सॉरी यार मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को यह बात पढ़ा दी कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है मैंने आप तमाम तमाम के स्टूडेंट्स को अब ये बात बता दी है कि भाई मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशंस के मायने ये होते हैं कि भाई इक्वेशन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स का आना ये वाली बात तमाम बच्चे मानते हैं कि भाई कभी भी आपके पास एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा हो आसान भाषा में एक से ज्यादा वेरियबल्स इन्वॉल्व हो रहे हो विद रिस्पेक्ट टू तो डी तो उसको हम क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं अब हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम होना चाहिए आप नस्ट का पेपर दो आप आईबीए uh, का पेपर दो सीएस के अंदर आप फास्ट का पेपर दो आप यूईटी uh, का पेपर दो स्पेशली आईबीए का या एनईडी का ये क्वेश्चन वहां पे आपको लाजमी दिखेगा और ये क्वेश्चन क्या है बहुत सिंपल है एग्जामिनर अक्सर पेशर कहता है कि भैया फाइंड एंड डिग्री अब अक्सर बच्चों को ना ऑर्डर के मायने पता होते हैं ना डिग्री के मायने पता होते हैं कि भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और आपसे कहा जाएगा उसका ऑर्डर या डिग्री बताना है याट सपोज मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं आईबी के सी एस में बहुत आया है और आईबीए इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देते हैं जो थ्योरिटिकल बेस्ड हो ताकि अक्सर बच्चा उसमें फैसे क्योंकि मेडिकल का बच्चा भी आईबी के सीएस में अप्लाई कर रहा है अब एनडी के सीएस के अंदर मेडिकल का बच्चा भी अप्लाई कर रहा है फास्ट के सीएस में भी यही कहानी है तो इन यूनिवर्सिटीज में जान के क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि अक्सर बच्चा फस जाएगा क्यों फस जाएगा क्योंकि उसके बाद कॉन्सेप्ट नहीं होगा और इंजीनियरिंग के बच्चे को भी तो जब तक आप लोग जल्दी से मुझे सोच के बताएंगे के भाई आपके ख्याल में इस इक्वेशन के अंदर आपके पास ऑर्डर क्या और डिग्री क्या है जब तक मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं तमाम बच्चों से मेरी दरखास्त है आप लोगों ने बताया ऑर्डर और डिग्री Okay. एक लास्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि आईबीए के अंदर बहुत पूछा जाता है जैसे मैंने बताया आपको नस्ट के अंदर बहुत आएगा आईबीए सीएस के अंदर लिटरली इसके क्वेश्चंस बेताशा भरे हुए आपको मिलेंगे एनईडी के अंदर बहुत मिलेंगे फास्ट में बहुत मिलेंगे यूईटी हो प्याज हो आपके पास सीवीएम का सीएस हो हर जगह के ऊपर के सीएस के अंदर इसके बेताशा होंगे क्यों क्योंकि मेजारिटी बच्चा यहाँ पे मेडिकल uh, बैकग्राउंड पे बिलोंग कर रहा होता है जो अप्लाई करता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को भी बातें नहीं पता होती

बताओ ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी तो भाई देखो ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर होता है है जो हमारे पास इक्वेशन में लिया जाता उसको हम ऑर्डर कहते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑर्डर क्या होगा और ऑर्डर क्या है हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव देखने का तरीके का हमेशा नीचे की वैल्यू को देखा जाता है तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो एक वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है वो आ रही है हमारे पास डी एक्स क्यूब

पावर क्या है आपके पास इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो जाहिर सी बात है पावर किसके बराबर है वन के बराबर है तो आपकी डिग्री किसके बराबर है डिग्री आपकी बराबर है किसके वन के सिमिलरली सिमिलरलीट सपोज आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा अच्छा, इस को थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ यहाँ पे आपको लेट सपोज ये नॉट इट इज नॉट डी स्क्वायर इट इज इट आपको क्वेश्चन ये है आपसे आप मैं कहता हूँ कि भैया जरा मुझे सोच के जवाब दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर क्या होगा तो भाई देखो ऑर्डर क्या होता है

क्योंकि यहाँ पे किसके बराबर है स्क्वायर के बराबर तो डिग्री क्या होगी हमारी इस क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर के बराबर तो ये आपके पास थ्योरेटिकल एमसीक्यू जो पेपर में थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो आई होप अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दू मैं आपसे कहता हूँ भैया डी क्यूब डिवाइडेड बाय डी एक्स uh, की पावर नाइन uh, है चलो यहाँ पे भी मैं इसको 9 ही कर देता हूँ और आपके पास पावर में है लेट सपोज सिक्स कहता हूँ कि आपके पास सिंपल स्टेटमेंट आ रही है ऐसे क्वेश्चन फास्ट में नस्ट में आई बी सी एस में सीबीएम में जेब में बहुत आते हैं मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई बताइए इसका डिग्री क्या है लेट सपोज अब ऑप्शन के अंदर मैंने सिक्स भी दिया हुआ होगा मैंने नाइन भी दिया हुआ होगा मैंने वन भी दिया होगा मैंने टू भी दिया होगा

एंड डिग्री इज बेसिकली पावर ऑफ डेट हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट्स द बेसिक कांसेप्ट जो मुझे सिखाना था यहाँ पे और यहीं पे हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट एंड होता है अब आपको कोई भी इंशाल्लाह इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट में मसला नहीं होगा मसला होता हम उसे पूछ सकते हैं तो यहीं पे इस क्लास को हम ऑफ कर सकते हैं जजात अल्लाह थैंक यू सो मच आशिम जिया साइनिंग ऑफ